तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे एक आदमी को 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वो उसकी मॉम से भी शादी कर लेता है। अब आगे इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की मूवी का नाम है लोलिता जो 1997 में रिलीज़ हुई थी। मूवी स्टार्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जिसका नाम हम्बर्ट होता है। हम्बर्ट अपनी कार लेकर कहीं जा रहा है लेकिन उसके फेस पर खून लगा है। हम्बर्ट को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ है। इसे बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम हम्बर्ट के बचपन को देख सकते हैं। जब हम्बर्ट 14 साल का था तो उसे एक स्कूल में एनाबेल लड़की के नाम से प्यार हो जाता है और एनाबेल भी हम्बर्ट से प्यार करती थी। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे लेकिन एक दिन किसी बीमारी की वजह से एनाबेल की मौत हो जाती है। एना की मौत के बाद हम्बर्ट पूरी तरह से टूट जाता है। एना के बाद उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है और वो बस उसकी यादों के सहारे जी रहा होता है। इसके काफ़ी समय बाद बीतने के बाद हमें हम्बर्ट को 40 साल की उम्र में दिखाया जाता है। हम्बर्ट एक स्कूल का प्रोफेसर बन जाता है और उसे एक नॉवल लिखने के लिए उसे समर की छुट्टियों में भेज दिया जाता है अपने अंकल के घर पर। लेकिन किसी रीजन की वजह से उसके अंकल के घर में भी आग लग जाती है इसलिए हम्बर्ट के अंकल अपने फ्रेंड के घर भेज देते हैं जिसका नाम मिस हैस था। हैस को हम्बर्ट पहली नज़र में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वह उसे उसका कमरा दिखाने लग जाती है लेकिन हम्बर्ट को वो कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि वो बहुत छोटा और गंदा भी था। मिस हैस भी बिना वजह उसके करीब आने लग जाते हैं जो हम्बर्ट को अच्छा नहीं लगता है। हम्बर्ट इसके बाद गार्डन में चला जाता है। गार्डन में हम्बर्ट की नज़र हैस की बेटी ललिता पर पड़ती है। ललिता को देखकर हम्बर्ट के मुँह में पानी आ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो बिल्कुल ऐना की तरह ही दिख रही थी। जब ललिता हम्बर्ट से नज़रें मिलाती है तो हम्बर्ट उस घर में रहने का फैसला कर लेता है। हाँ वो अपनी नॉवल लिखने लग जाता है और साथ ही में वो ललिता को ताड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता है। ललिता में उसे ऐना नज़र आने लग जाती है। यही वजह थी कि वो ललिता से प्यार करने लग जाता है। दूसरी तरफ ललिता भी हम्बर्ट से अट्रैक्ट होने लग जाती है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और उसके कमरे में आकर उसके साथ मस्ती करने लग जाती है। हम्बर्ट को यह सब बहुत अच्छा लगने लगा था तो वो मिस एस भी हम्बर्ट को पसंद करने लगी थी इसलिए वो हम्बर्ट के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अगले दिन हैज हम्बर्ट को लेकर एक लेक पे जाती है जहां वो बताती है कि ललिता को समर कैंप के लिए भेजना पड़ेगा। इसके बाद वो सीधा बोर्डिंग स्कूल जाएगी। ये सुनकर हम्बर्ट को टेंशन हो जाती है क्योंकि वो ललिता के लिए ही इस घर में रुका था। अगले दिन जब ललिता को पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा नखरे करने लग जाती हैं लेकिन उसकी मम उसे समझाती हैं। अगली सुबह हमें देखने के लिए मिलता है कि हम्बर्ट उठ जाता है लेकिन वो खिड़की से देखता है तो ललिता जा रही थी। ललिता भी उसे देख लेती है और वो कार से उतरकर भागकर हम्बर्ट के पास चली जाती है। हम्बर्ट को हग कर लेती है और बाद में उसे किस भी कर लेती है। इसके बाद वो चली जाती है। ललिता के चले जाने के बाद एज हम्बर्ट को एक लेटर लिखती है जिसमें उसने लिखा होता शादी करने का प्रस्ताव। हम्बर्ट भी मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका था ललिता के करीब रहकर उसके हासिल करने का। वो ऐसे शादी कर लेता है। हम्बर्ट के साथ खपा खप करना चाहती थी लेकिन हम्बर्ट उसे किसी न किसी बहाने से बच जाता था। उसे खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसे सुला देता था। उसे बस ललिता का इंतजार था कि कब वो वापस आएगी। हैज को हम्बर्ट में ललिता के बारे में कुछ पता नहीं था लेकिन एक दिन हम्बर्ट जब बाहर था तो हैज उसकी पर्सनल डायरी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि हम्बर्ट की नज़र ललिता पर है। जब हम्बर्ट घर आता है तो ललिता उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वहाँ से रिश्ते सारे तोड़कर उससे चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पर पहुंचती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके वहीं पर हैज की वहीं पर मौत हो जाती है। हैज की मौत पर उसे दुख थोड़ा होता है पर एक तरफ का उसका रास्ता भी साफ हो गया था। वो ललिता को लेने समर कैंप चला जाता है जहां वो ललिता को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब वो दोनों वापस आ रहे थे तब ललिता अपनी मॉम के बारे में पूछती है तो हैज हम्बर्ट कहता है उससे कि वो बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। यह बातों बातों में दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और किस करने लग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ ललिता की एक मुलाकात क्लियर नाम के एक लड़के से होती है। हम्बर्ट भी उसे मिलता है पर वो उसका नाम नहीं जानता था। उसे लगता था कि ये बात कर रहा है। अब उस होटल में आने के बाद उनका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ वो दोनों गपागप करने लग जाते हैं। अगले दिन वो दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ ललिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि वो अपने मॉम से बात करना चाहती थी। यहाँ हम्बर्ट उसे सब बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम अब नहीं रही, वो एक एक्सीडेंट में मर चुकी हैं। ये सुनकर ललिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दुख भी होता है। रात को बहुत ज़्यादा
ज़्यादा रोने लग जाती है, तब हम्बर्ट उसे सहारा देता है। अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरी कंट्री घूमेंगे और वो ट्रिप पर निकल जाते हैं। इसके बाद वो कई दिनों तक साथ रहते हैं, फिर मजे करते हैं। ट्रिप से वापस आने के बाद में हम्बर्ट जॉब करने लग जाता है और ललिता को भी स्कूल ज्वाइन करवा देता है। एक दिन ललिता उसे डांस क्लास के लिए पूछती है, लेकिन हम्बर्ट उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि हम्बर्ट को डर था कि अगर डांस के बहाने ललिता किसी लड़के से मिली तो उनके बीच प्यार कम हो जाएगा। पर यहाँ ललिता उसे मना लेती है। इसके अगले दिन हम्बर्ट को ललिता के टीचर का कॉल आता है। टीचर हम्बर्ट से कहती है 2 दिन से ललिता क्लास के लिए नहीं आई है। तो हम्बर्ट को ललिता पर शक होता है और हम्बर्ट उसी के सामने उसके दोस्तों को कॉल करता है और पूछता है क्या ललिता तुम्हारे साथ थी। और इस पे ललिता को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से भाग जाती है। तो हम्बर्ट भी उसके पीछे जाता है। हम उसकी साइकिल देखता है तो वो अंदर जाने लग जाता है। तब ललिता फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हम्बर्ट से बहुत कुछ छुपा रही हो। इसके बाद वो दोनों एक ट्रिप पर चले जाते हैं जहाँ उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और हम्बर्ट ललिता को उस कार का नंबर नोट करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ हम्बर्ट ललिता से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। ये कह के वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो वो ललिता के पैरों में कीचड़ देखता है और उसके लिपस्टिक को फैला हुआ देखता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ललिता को किसी ने पेल दिया, इसीलिए वो भी ललिता को पेल देता है ज़बरदस्ती। इसके बाद ललिता की तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए हम्बर्ट उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। वो रात का समय था इसलिए डॉक्टर हम्बर्ट को घर जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन हम्बर्ट अगले सुबह हॉस्पिटल में कॉल करता है ताकि वो ललिता की तबीयत जान सके। लेकिन हॉस्पिटल की नर्स बोलती हैं कि ललिता को उसके अंकल यहाँ से डिस्चार्ज करवा कर ले चुके हैं। इसके बाद हम्बर्ट पागलों की तरह उसे ढूंढने लग जाता है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी ललिता उसे नहीं मिलती है। अब हम्बर्ट बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम्बर्ट को एक ललिता का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अभी थोड़े पैसों की ज़रूरत है। इसके बाद हम्बर्ट गन और पैसे लेकर ललिता के पास चला जाता है। ललिता उसे बताती है कि वो क्लियर था जिसके साथ वो भागी थी, क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करती थी और उसने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ हम्बर्ट ललिता को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ललिता उसे कहती है कि मुझे कभी भी तुमसे प्यार नहीं था, मैं बस तुम्हारे साथ थी और तुम मुझे पेल रहे थे। ये बात हम्बर्ट को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। वो ललिता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो क्लेयर के पास जाता है और वहाँ जाकर उसे मार देता है और अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। ये वही सीन था जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। अब हम्बर्ट को क्लेयर को मार दिया था इसलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, पर हम्बर्ट को इस बात का कोई भी डर नहीं था क्योंकि जिस लड़की को वो अपना मानता था वो उसे प्यार ही नहीं करती थी। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है और 1 साल के अंदर जेल में उसकी मौत हो जाती है। और इसके अगले महीने ललिता भी अपने बच्चे को जन्म देकर मर जाती है और यहीं पर यह मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर आपको इस मूवी का थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगा तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे एक आदमी को 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वो उसकी मॉम से भी शादी कर लेता है। अब आगे इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की मूवी का नाम है ललिता जो 1997 में रिलीज़ हुई थी। मूवी स्टार्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जिसके नाम हम्बर्ट होता है। हम्बर्ट अपनी कार लेकर कहीं जा रहा है लेकिन उसके फेस पर खून लगा है। हम्बर्ट को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम हम्बर्ट के बचपन को देख सकते हैं। जब हम्बर्ट 14 साल का था तो उसे एक स्कूल में एनाबेल लड़की के नाम से प्यार हो जाता है और एनाबेल भी हम्बर्ट से प्यार करती थी। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन किसी बीमारी की वजह से एनाबेल की मौत हो जाती है। एना की मौत के बाद हम्बर्ट पूरी तरह से टूट जाता है। एना के बाद उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है और वो बस उसकी यादों के सहारे जी रहा होता है। इसके काफ़ी समय बाद बीतने के बाद हमें हम्बर्ट को 40 साल की उम्र में दिखाया जाता है। हम्बर्ट एक स्कूल का प्रोफेसर बन जाता है और उसे एक नॉवल लिखने के लिए उसे समर की छुट्टियों में भेज दिया जाता है अपने अंकल के घर पर। लेकिन किसी रीजन की वजह से उसके अंकल के घर में भी आग लग जाती है, इसलिए हम्बर्ट के अंकल पे अपने फ्रेंड के घर भेज देते हैं जिसका नाम मिस हैस था। हैस को हम्बर्ट पहली नज़र में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वह उसे उसका कमरा दिखाने लग जाती हैं, लेकिन हम्बर्ट को वो कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि वो बहुत छोटा और गंदा भी था।
मिस हैज भी बिना वजह उसके करीब आने लग जाते हैं, जो हम्बर्ड को अच्छा नहीं लगता है। हम्बर्ड इसके बाद गार्डन में चला जाता है। गार्डन में हम्बर्ड की नज़र हैज की बेटी ललिता पर पड़ती है। ललिता को देखकर हम्बर्ड के मुंह में पानी आ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, वो बिल्कुल ऐना की तरह ही दिख रही थी। जब ललिता हम्बर्ड से नज़रें मिलाती है तो हम्बर्ड उस घर में रहने का फैसला कर लेता है। वो अपनी नॉवल लिखने लग जाता है और साथ ही में वो ललिता को ताड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता है। ललिता में उसे ऐना नज़र आने लग जाती है, यही वजह थी कि वो ललिता से प्यार करने लग जाता है। दूसरी तरफ ललिता भी हम्बर्ड से अट्रैक्ट होने लग जाती है, वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और उसके कमरे में आकर उसके साथ मस्ती करने लग जाती है। हम्बर्ड को यह सब बहुत अच्छा लगने लगा था, तो वो मिस एस भी हम्बर्ड को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो हम्बर्ड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अगले दिन हैज हम्बर्ड को लेकर एक लेक पर जाती है, जहाँ वो बताती है कि ललिता को समर कैंप के लिए भेजना पड़ेगा, इसके बाद वो सीधा बोर्डिंग स्कूल जाएगी। ये सुनकर हम्बर्ड को टेंशन हो जाती है क्योंकि वो ललिता के लिए ही इस घर में रुका था। अगले दिन जब ललिता को पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा नखरे करने लग जाती हैं। लेकिन उसकी मम उसे समझाती हैं। अगली सुबह हमें देखने के लिए मिलता है कि हम्बर्ड उठ जाता है, लेकिन वो खिड़की से देखता है तो ललिता जा रही थी। ललिता भी उसे देख लेती है और वो कार से उतरकर भागकर हम्बर्ड के पास चली जाती है। हम्बर्ड को हग कर लेती है और बाद में उसे किस भी कर लेती है। इसके बाद वो चली जाती है। ललिता के चले जाने के बाद एज हम्बर्ड को एक लेटर लिखती है जिसमें उसने लिखा होता शादी करने का प्रस्ताव। हम्बर्ड भी मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका था ललिता के करीब रहकर उसके हासिल करने का। वो ऐसे शादी कर लेता है। हम्बर्ड के साथ खपकप करना चाहती थी, लेकिन हम्बर्ड उसे किसी न किसी बहाने से बच जाता था। उसे खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसे सुला देता था। उसे बस ललिता का इंतजार था कि कब वो वापस आएगी। हैज को हम्बर्ड में ललिता के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन एक दिन हम्बर्ड जब बाहर था तो हैज उसकी पर्सनल डायरी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि हम्बर्ड की नज़र ललिता पर है। जब हम्बर्ड घर आता है तो ललिता उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वहाँ से रिश्ते सारे तोड़कर उससे चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पर पहुंचती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके वहीं पर हैज की वहीं पर मौत हो जाती है। हैज की मौत पर उसे दुख थोड़ा होता है, पर एक तरफ का उसका रास्ता भी साफ हो गया था। वो ललिता को लेने समर कैंप चला जाता है, जहां वो ललिता को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब वो दोनों वापस आ रहे थे तब ललिता अपनी मॉम के बारे में पूछती है, तो हैज हम्बर्ड कहता है उससे कि वो बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। यह बातों बातों में दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और किस करने लग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहाँ ललिता की एक मुलाकात क्लियर नाम के एक लड़के से होती है। हम्बर्ड भी उसे मिलता है, पर वो उसका नाम नहीं जानता था। उसे लगता था कि शिकायत कर रहा है। अब उस होटल में आने के बाद उनका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ वो दोनों गपागप करने लग जाते हैं। अगले दिन वो दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ ललिता हम्बर्ड से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि वो अपने मॉम से बात करना चाहती थी। यहाँ हम्बर्ड उसे सब बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम अब नहीं रही, वो एक एक्सीडेंट में मर चुकी हैं। ये सुनकर ललिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दुख भी होता है। रात को बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, तब हम्बर्ड उसे सहारा देता है। अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरी कंट्री घूमेंगे और वो ट्रिप पर निकल जाते हैं। इसके बाद वो कई दिनों तक साथ रहते हैं, फिर मजे करते हैं। ट्रिप से वापस आने के बाद में हम्बर्ड जॉब करने लग जाता है और ललिता को भी स्कूल ज्वाइन करवा देता है। एक दिन ललिता उसे डांस क्लास के लिए पूछती है, लेकिन हम्बर्ड उसे साफ मना कर देता है क्योंकि हम्बर्ड को डर था कि अगर डांस के बहाने ललिता किसी लड़के से मिली तो उनके बीच प्यार कम हो जाएगा। पर यहाँ ललिता उसे मना लेती है। इसके अगले दिन हम्बर्ड को ललिता के टीचर का कॉल आता है। टीचर हम्बर्ड से कहती है 2 दिन से ललिता क्लास के लिए नहीं आई है, तो हम्बर्ड को ललिता पर शक होता है और हम्बर्ड उसी के सामने उसके दोस्तों को कॉल करता है और पूछता है क्या ललिता तुम्हारे साथ थी, और इस पर ललिता को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से भाग जाती है। तो हम्बर्ड भी उसके पीछे जाता है, हम उसकी साइकिल देखता है तो वो अंदर जाने लग जाता है। तब ललिता फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हम्बर्ड से बहुत कुछ छुपा रही हो। इसके बाद वो दोनों एक ट्रिप पर चले जाते हैं, जहाँ उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और हम्बर्ड ललिता को उस कार का नंबर नोट करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहाँ हम्बर्ड ललिता से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, ये कह के वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो वो ललिता के पैरों में कीचड़ देखता है और उसके लिपस्टिक को फैला हुआ देखता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ललिता को किसी ने पेल दिया, इसीलिए वो भी ललिता को पेल देता है ज़बरदस्ती। इसके बाद ललिता की तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए हम्बर्ड उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। वो रात का समय था, इसलिए डॉक्टर हम्बर्ड को घर जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन हम्बर्ड अगली सुबह हॉस्पिटल में कॉल करता है ताकि वो ललिता की तबीयत जान सके।
लेकिन हॉस्पिटल की नर्स बोलती हैं कि ललिता को उसके अंकल यहाँ से डिस्चार्ज करवा कर ले चुके हैं। इसके बाद हम्बर्ट पागलों की तरह उसे ढूंढने लग जाता है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी ललिता उसे नहीं मिलती है। अब हम्बर्ट बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम्बर्ट को एक ललिता का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अभी थोड़े पैसों की ज़रूरत है। इसके बाद हम्बर्ट गन और पैसे लेकर ललिता के पास चला जाता है। ललिता उसे बताती है कि वो क्लियर था जिसके साथ वो भागी थी, क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करती थी और उसने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ हम्बर्ट ललिता को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ललिता उसे कहती है कि मुझे कभी भी तुमसे प्यार नहीं था, मैं बस तुम्हारे साथ थी और तुम मुझे पेल रहे थे। ये बात हम्बर्ट को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। वो ललिता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो क्लेयर के पास जाता है और वहाँ जाकर उसे मार देता है और अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। ये वही सीन था जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। अब हम्बर्ट को क्लेयर को मार दिया था, इसलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, पर हम्बर्ट को इस बात का कोई भी डर नहीं था क्योंकि जिस लड़की को अपना मानता था वो उसे प्यार ही नहीं करती थी। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है और 1 साल के अंदर जेल में उसकी मौत हो जाती है। और इसके अगले महीने ललिता भी अपने बच्चे को जन्म देकर मर जाती है और यहीं पर यह मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर आपको इस मूवी का थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगा तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे एक आदमी को 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वो उसकी मोम से भी शादी कर लेता है। अब आगे इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की मूवी का नाम है ललिता, जो 1997 में रिलीज़ हुई थी। मूवी स्टार्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जिसका नाम हम्बर्ट होता है। हम्बर्ट अपनी कार लेकर कहीं जा रहा है, लेकिन उसके फेस पर खून लगा है। हम्बर्ट को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ है। इसे बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम हम्बर्ट के बचपन को देख सकते हैं। जब हम्बर्ट 14 साल का था तो उसे एक स्कूल में एनाबेल लड़की के नाम से प्यार हो जाता है और एनाबेल भी हम्बर्ट से प्यार करती थी। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन किसी बीमारी की वजह से एनाबेल की मौत हो जाती है। एना की मौत के बाद हम्बर्ट पूरी तरह से टूट जाता है। एना के बाद उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है और वो बस उसकी यादों के सहारे जी रहा होता है। इसके काफ़ी समय बाद बीतने के बाद हमें हम्बर्ट को 40 साल की उम्र में दिखाया जाता है। हम्बर्ट एक स्कूल का प्रोफेसर बन जाता है और उसे एक नॉवल लिखने के लिए उसे समर की छुट्टियों में भेज दिया जाता है अपने अंकल के घर पर। लेकिन किसी रीजन की वजह से उसके अंकल के घर में भी आग लग जाती है, इसलिए हम्बर्ट के अंकल अपने फ्रेंड के घर भेज देते हैं जिसका नाम मिस हैस था। हैस को हम्बर्ट पहली नज़र में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो उसे उसका कमरा दिखाने लग जाती है, लेकिन हम्बर्ट को वो कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि वो बहुत छोटा और गंदा भी था। मिस हैस भी बिना वजह उसके करीब आने लग जाती हैं, जो हम्बर्ट को अच्छा नहीं लगता है। हम्बर्ट इसके बाद गार्डन में चला जाता है। गार्डन में हम्बर्ट की नज़र हैस की बेटी ललिता पर पड़ती है। ललिता को देखकर हम्बर्ट के मुँह में पानी आ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो बिल्कुल ऐना की तरह ही दिख रही थी। जब ललिता हम्बर्ट से नज़रें मिलाती है तो हम्बर्ट उस घर में रहने का फैसला कर लेता है। वो अपनी नॉवल लिखने लग जाता है और साथ ही में वो ललिता को ताड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता है। ललिता में उसे ऐना नज़र आने लग जाती है, यही वजह थी कि वो ललिता से प्यार करने लग जाता है। दूसरी तरफ ललिता भी हम्बर्ट से अट्रैक्ट होने लग जाती है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और उसके कमरे में आकर उसके साथ मस्ती करने लग जाती है। हम्बर्ट को यह सब बहुत अच्छा लगने लगा था, तो वो मिस एस भी हम्बर्ट को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो हम्बर्ट के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अगले दिन हैज हम्बर्ट को लेकर एक लेक पे जाती है, जहां वो बताती है कि ललिता को समर कैंप के लिए भेजना पड़ेगा। इसके बाद वो सीधा बोर्डिंग स्कूल जाएगी। ये सुनकर हम्बर्ट को टेंशन हो जाती है क्योंकि वो ललिता के लिए ही इस घर में रुका था। अगले दिन जब ललिता को पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा नखरे करने लग जाती हैं, लेकिन उसकी मम उसे समझाती हैं। अगली सुबह हमें देखने के लिए मिलता है कि हम्बर्ट उठ जाता है, लेकिन वो खिड़की से देखता है तो ललिता जा रही थी। ललिता भी उसे देख लेती है और वो कार से उतरकर भागकर हम्बर्ट के पास चली जाती है। हम्बर्ट को हग कर लेती है और बाद में उसे किस भी कर लेती है। इसके बाद वो चली जाती है। ललिता के चले जाने के बाद एज हम्बर्ट को एक लेटर लिखती है जिसमें उसने लिखा होता शादी करने का प्रस्ताव। हम्बर्ट भी मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका था ललिता के करीब रहकर उसके हासिल करने का। वो ऐसे शादी कर लेता है।
हम्बर्ट के साथ खपाखप करना चाहती थी, लेकिन हम्बर्ट उसे किसी न किसी बहाने से बच जाता था। उसे खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसे सुला देता था। उसे बस ललिता का इंतजार था कि कब वो वापस आएगी। हैज़ को हम्बर्ट में ललिता के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन एक दिन हम्बर्ट जब बाहर था तो हैज़ उसकी पर्सनल डायरी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि हम्बर्ट की नज़र ललिता पर है। जब हम्बर्ट घर आता है तो ललिता उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वहाँ से रिश्ते सारे तोड़कर उससे चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पर पहुँचती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके वहीं पर हैज़ की वहीं पर मौत हो जाती है। हैज़ की मौत पर उसे दुख थोड़ा होता है, पर एक तरफ का उसका रास्ता भी साफ हो गया था। वो ललिता को लेने समर कैंप चला जाता है, जहां वो ललिता को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब वो दोनों वापस आ रहे थे तब ललिता अपनी मोम के बारे में पूछती है, तो हैज़ हम्बर्ट कहता है उससे कि वो बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। यह बातों बातों में दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और किस करने लग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहाँ ललिता की एक मुलाकात क्लियर नाम के एक लड़के से होती है। हम्बर्ट भी उसे मिलता है, पर वो उसका नाम नहीं जानता था। उसे लगता था कि घात कर रहा है। अब उस होटल में आने के बाद उनका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ वो दोनों गपागप करने लग जाते हैं। अगले दिन वो दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ ललिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि वो अपनी मोम से बात करना चाहती थी। यहाँ हम्बर्ट उसे सब बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारी मोम अब नहीं रही, वो एक एक्सीडेंट में मर चुकी हैं। ये सुनकर ललिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दुख भी होता है। रात को बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, तब हम्बर्ट उसे सहारा देता है। अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरी कंट्री घूमेंगे और वो ट्रिप पर निकल जाते हैं। इसके बाद वो कई दिनों तक साथ रहते हैं, फिर मजे करते हैं। ट्रिप से वापस आने के बाद में हम्बर्ट जॉब करने लग जाता है और ललिता को भी स्कूल ज्वाइन करवा देता है। एक दिन ललिता उसे डांस क्लास के लिए पूछती है, लेकिन हम्बर्ट उसे साफ मना कर देता है क्योंकि हम्बर्ट को डर था कि अगर डांस के बहाने ललिता किसी लड़के से मिली तो उनके बीच प्यार कम हो जाएगा। पर यहाँ ललिता उसे मना लेती है। इसके अगले दिन हम्बर्ट को ललिता के टीचर का कॉल आता है। टीचर हम्बर्ट से कहती है 2 दिन से ललिता क्लास के लिए नहीं आई है, तो हम्बर्ट को ललिता पर शक होता है और हम्बर्ट उसी के सामने उसके दोस्तों को कॉल करता है और पूछता है क्या ललिता तुम्हारे साथ थी। और इस पर ललिता को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से भाग जाती है, तो हम्बर्ट भी उसके पीछे जाता है। हम उसकी साइकिल देखता है तो वो अंदर जाने लग जाता है। तब ललिता फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हम्बर्ट से बहुत कुछ छुपा रही हो। इसके बाद वो दोनों एक ट्रिप पर चले जाते हैं, जहाँ उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और हम्बर्ट ललिता को उस कार का नंबर नोट करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहाँ हम्बर्ट ललिता से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। ये कह के वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब वापस आता है तो वो ललिता के पैरों में कीचड़ देखता है और उसके लिपस्टिक को फैला हुआ देखता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ललिता को किसी ने पेल दिया, इसीलिए वो भी ललिता को पेल देता है ज़बरदस्ती। इसके बाद ललिता की तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए हम्बर्ट उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। वो रात का समय था, इसलिए डॉक्टर हम्बर्ट को घर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन हम्बर्ट अगली सुबह हॉस्पिटल में कॉल करता है ताकि वो ललिता की तबीयत जान सके। लेकिन हॉस्पिटल की नर्स बोलती हैं कि ललिता को उसके अंकल यहाँ से डिस्चार्ज करवा कर ले चुके हैं। इसके बाद हम्बर्ट पागलों की तरह उसे ढूंढने लग जाता है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी ललिता उसे नहीं मिलती है। अब हम्बर्ट बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम्बर्ट को एक ललिता का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अभी थोड़े पैसों की ज़रूरत है। इसके बाद हम्बर्ट गन और पैसे लेकर ललिता के पास चला जाता है। ललिता उसे बताती है कि वो क्लियर था जिसके साथ वो भागी थी क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करती थी और उसने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ हम्बर्ट ललिता को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ललिता उसे कहती है कि मुझे कभी भी तुमसे प्यार नहीं था, मैं बस तुम्हारे साथ थी और तुम मुझे पेल रहे थे। ये बात हम्बर्ट को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। वो ललिता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो क्लेयर के पास जाता है और वहाँ जाकर उसे मार देता है और अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। ये वही सीन था जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। अब हम्बर्ट को क्लेयर को मार दिया था, इसलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, पर हम्बर्ट को इस बात का कोई भी डर नहीं था क्योंकि जिस लड़की को वो अपना मानता था वो उसे प्यार ही नहीं करती थी। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है और 1 साल के अंदर जेल में उसकी मौत हो जाती है। और इसके अगले महीने ललिता भी अपने बच्चे को जन्म देकर मर जाती है और यहीं पर यह मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर आपको इस मूवी का थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगा तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।
तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे एक आदमी को 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वो उसकी मॉम से भी शादी कर लेता है। अब आगे इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की मूवी का नाम है लोलिता जो 1997 में रिलीज़ हुई थी। मूवी स्टार्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जिसके नाम हम्बर्ट होता है। हम्बर्ट अपनी कार लेकर कहीं जा रहा है लेकिन उसके फेस पर खून लगा है। हम्बर्ट को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ है। इसे बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम हम्बर्ट के बचपन को देख सकते हैं। जब हम्बर्ट 14 साल का था तो उसे एक स्कूल में एनाबेल लड़की के नाम से प्यार हो जाता है और एनाबेल भी हम्बर्ट से प्यार करती थी। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे लेकिन एक दिन किसी बीमारी की वजह से एनाबेल की मौत हो जाती है। एना की मौत के बाद हम्बर्ट पूरी तरह से टूट जाता है। एना के बाद उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है और वो बस उसकी यादों के सहारे जी रहा होता है। इसके काफ़ी समय बाद बीतने के बाद हमें हम्बर्ट को 40 साल की उम्र में दिखाया जाता है। हम्बर्ट एक स्कूल का प्रोफेसर बन जाता है और उसे एक नॉवल लिखने के लिए उसे समर की छुट्टियों में भेज दिया जाता है अपने अंकल के घर पर। लेकिन किसी रीजन की वजह से उसके अंकल के घर में भी आग लग जाती है इसलिए हम्बर्ट के अंकल अपने फ्रेंड के घर भेज देते हैं जिसका नाम मिस हैस था। हैस को हम्बर्ट पहली नज़र में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वह उसे उसका कमरा दिखाने लग जाती है लेकिन हम्बर्ट को वो कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि वह बहुत छोटा और गंदा भी था। मिस हैस भी बिना वजह उसके करीब आने लग जाती हैं जो हम्बर्ट को अच्छा नहीं लगता है। हम्बर्ट इसके बाद गार्डन में चला जाता है। गार्डन में हम्बर्ट की नज़र हैस की बेटी ललिता पर पड़ती है। ललिता को देखकर हम्बर्ट के मुँह में पानी आ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो बिल्कुल ऐना की तरह ही दिख रही थी। जब ललिता हम्बर्ट से नज़रें मिलाती है तो हम्बर्ट उस घर में रहने का फैसला कर लेता है। हाँ वो अपनी नॉवल लिखने लग जाता है और साथ ही में वो ललिता को ताड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता है। ललिता में उसे ऐना नज़र आने लग जाती है। यही वजह थी कि वो ललिता से प्यार करने लग जाता है। दूसरी तरफ ललिता भी हम्बर्ट से अट्रैक्ट होने लग जाती है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और उसके कमरे में आकर उसके साथ मस्ती करने लग जाती है। हम्बर्ट को यह सब बहुत अच्छा लगने लगा था तो वो मिस एस भी हम्बर्ट को पसंद करने लगी थी इसलिए वो हम्बर्ट के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अगले दिन हैज हम्बर्ट को लेकर एक लेक पर जाती है जहाँ वो बताती है कि ललिता को समर कैंप के लिए भेजना पड़ेगा। इसके बाद वो सीधा बोर्डिंग स्कूल जाएगी। ये सुनकर हम्बर्ट को टेंशन हो जाती है क्योंकि वो ललिता के लिए ही इस घर में रुका था। अगले दिन जब ललिता को पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा नखरे करने लग जाती हैं लेकिन उसकी मम उसे समझाती हैं। अगली सुबह हमें देखने के लिए मिलता है कि हम्बर्ट उठ जाता है लेकिन वो खिड़की से देखता है तो ललिता जा रही थी। ललिता भी उसे देख लेती है और वो कार से उतरकर भागकर हम्बर्ट के पास चली जाती है। हम्बर्ट को हग कर लेती है और बाद में उसे किस भी कर लेती है। इसके बाद वो चली जाती है। ललिता के चले जाने के बाद एज हम्बर्ट को एक लेटर लिखती है जिसमें उसने लिखा होता शादी करने का प्रस्ताव। हम्बर्ट भी मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका था ललिता के करीब रहकर उसके हासिल करने का। वो ऐसे शादी कर लेता है। हम्बर्ट के साथ खपाकप करना चाहती थी लेकिन हम्बर्ट उसे किसी न किसी बहाने से बच जाता था। उसे खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसे सुला देता था। उसे बस ललिता का इंतजार था कि कब वो वापस आएगी। हैज को हम्बर्ट में ललिता के बारे में कुछ पता नहीं था लेकिन एक दिन हम्बर्ट जब बाहर था तो हैज उसकी पर्सनल डायरी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि हम्बर्ट की नज़र ललिता पर है। जब हम्बर्ट घर आता है तो ललिता उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वहाँ से रिश्ते सारे तोड़कर उससे चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पर पहुंचती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके वहीं पर हैज की वहीं पर मौत हो जाती है। हैज की मौत पर उसे दुख थोड़ा होता है पर एक तरफ का उसका रास्ता भी साफ हो गया था। वो ललिता को लेने समर कैंप चला जाता है जहां वो ललिता को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब वो दोनों वापस आ रहे थे तब ललिता अपनी मॉम के बारे में पूछती है तो हैज हम्बर्ट कहता है उससे कि वो बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। यह बातों बातों में दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और किस करने लग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ ललिता की एक मुलाकात नाम के एक लड़के से होती है। हम्बर्ट भी उसे मिलता है पर वो उसका नाम नहीं जानता था। उसे लगता था कि ये बात कर रहा है। अब उस होटल में आने के बाद उनका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ वो दोनों गपागप करने लग जाते हैं। अगले दिन वो दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ ललिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि वो अपने मॉम से बात करना चाहती थी। यहाँ हम्बर्ट उसे सब बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम अब नहीं रही, वो एक एक्सीडेंट में मर चुकी हैं। ये सुनकर ललिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दुख भी होता है। रात को बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है तब हम्बर्ट उसे सहारा देता है। अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरे कंट्री घूमेंगे और वो ट्रिप पर निकल जाते हैं। इसके बाद वो कई दिनों तक
साथ रहते हैं, फिर मजे करते हैं। ट्रिप से वापस आने के बाद में हम्बर्ट जॉब करने लग जाता है और ललिता को भी स्कूल ज्वाइन करवा देता है। एक दिन ललिता उसे डांस क्लास के लिए पूछती है, लेकिन हम्बर्ट उसे सब मना कर देता है, क्योंकि हम्बर्ट को डर था कि अगर डांस के बहाने ललिता किसी लड़के से मिली तो उनके बीच प्यार कम हो जाएगा। पर यहाँ ललिता उसे मना लेती है। इसके अगले दिन हम्बर्ट को ललिता के टीचर का कॉल आता है। टीचर हम्बर्ट से कहती है 2 दिन से ललिता क्लास के लिए नहीं आई है। तो हम्बर्ट को ललिता पर शक होता है और हम्बर्ट उसी के सामने उसके दोस्तों को कॉल करता है और पूछता है क्या ललिता तुम्हारे साथ थी। और इस पर ललिता को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से भाग जाती है। तो हम्बर्ट भी उसके पीछे जाता है, वो उसकी साइकिल देखता है तो वो अंदर जाने लग जाता है। तब ललिता फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हम्बर्ट से बहुत कुछ छुपा रही हो। इसके बाद वो दोनों एक ट्रिप पर चले जाते हैं जहाँ उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और हम्बर्ट ललिता को उस कार का नंबर नोट करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ हम्बर्ट ललिता से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। ये कह के वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो वो ललिता के पैरों में कीचड़ देखता है और उसके लिपस्टिक को फैला हुआ देखता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ललिता को किसी ने पेल दिया, इसीलिए वो भी ललिता को पेल देता है ज़बरदस्ती। इसके बाद ललिता की तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए हम्बर्ट उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। वो रात का समय था इसलिए डॉक्टर हम्बर्ट को घर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन हम्बर्ट अगली सुबह हॉस्पिटल में कॉल करता है ताकि वो ललिता की तबीयत जान सके। लेकिन हॉस्पिटल की नर्स बोलती हैं कि ललिता को उसके अंकल यहाँ से डिस्चार्ज करवा कर ले चुके हैं। इसके बाद हम्बर्ट पागलों की तरह उसे ढूंढने लग जाता है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी ललिता उसे नहीं मिलती है। अब हम्बर्ट बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम्बर्ट को एक ललिता का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अभी थोड़े पैसों की ज़रूरत है। इसके बाद हम्बर्ट गन और पैसे लेकर ललिता के पास चला जाता है। ललिता उसे बताती है कि वो क्लियर था जिसके साथ वो भागी थी क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करती थी और उसने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ हम्बर्ट ललिता को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ललिता उसे कहती है कि मुझे कभी भी तुमसे प्यार नहीं था, मैं बस तुम्हारे साथ थी और तुम मुझे पेल रहे थे। ये बात हम्बर्ट को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। वो ललिता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो क्लेयर के पास जाता है और वहाँ जाकर उसे मार देता है और अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। ये वही सीन था जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। अब हम्बर्ट को क्लेयर को मार दिया था इसलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, पर हम्बर्ट को इस बात का कोई भी डर नहीं था क्योंकि जिस लड़की को वो अपना मानता था वो उसे प्यार ही नहीं करती थी। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है और 1 साल के अंदर जेल में उसकी मौत हो जाती है। और इसके अगले महीने ललिता भी अपने बच्चे को जन्म देकर मर जाती है और यहीं पर यह मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर आपको इस मूवी का थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगा तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे एक आदमी को 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वो उसकी मॉम से भी शादी कर लेता है। अब आगे इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की मूवी का नाम है ललिता जो 1997 में रिलीज़ हुई थी। मूवी स्टार्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जिसके नाम हम्बर्ट होता है। हम्बर्ट अपनी कार लेकर कहीं जा रहा है लेकिन उसके फेस पर खून लगा है। हम्बर्ट को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ है। इसे बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम हम्बर्ट के बचपन को देख सकते हैं। जब हम्बर्ट 14 साल का था तो उसे एक स्कूल में एनाबेल लड़की के नाम से प्यार हो जाता है और एनाबेल भी हम्बर्ट से प्यार करती थी। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे लेकिन एक दिन किसी बीमारी की वजह से एनाबेल की मौत हो जाती है। एना की मौत के बाद हम्बर्ट पूरी तरह से टूट जाता है। एना के बाद उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है और वो बस उसकी यादों के सहारे जी रहा होता है। इसके काफ़ी समय बाद बीतने के बाद हमें हम्बर्ट को 40 साल की उम्र में दिखाया जाता है। हम्बर्ट एक स्कूल का प्रोफेसर बन जाता है और उसे एक नॉवल लिखने के लिए उसे समर की छुट्टियों में भेज दिया जाता है अपने अंकल के घर पर। लेकिन किसी रीजन की वजह से उसके अंकल के घर में भी आग लग जाती है, इसलिए हम्बर्ट के अंकल अपने फ्रेंड के घर भेज देते हैं जिसका नाम मिस हैस था। हैस को हम्बर्ट पहली नज़र में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वह उसे उसका कमरा दिखाने लग जाती है लेकिन हम्बर्ट को वो कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि वो बहुत छोटा और गंदा भी था। मिस हैस भी बिना वजह उसके करीब आने लग जाते हैं जो हम्बर्ट को अच्छा नहीं लगता है। हम्बर्ट इसके बाद गार्डन में चला जाता है। गार्डन में हम्बर्ट की नज़र हैस की बेटी ललिता पर पड़ती है। ललिता को देखकर हम्बर्ट के मुँह में पानी आ जाता है।
कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो बिल्कुल ऐना की तरह ही दिख रही थी। जब ललितो तो हम्बर्ट से नज़रें मिलाती है तो हम्बर्ट उस घर में रहने का फैसला कर लेता है। हाँ, वो अपनी नॉवल लिखने लग जाता है और साथ ही में वो ललिता को ताड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता है। ललिता में उसे ऐना नज़र आने लग जाती है। यही वजह थी कि वो ललिता से प्यार करने लग जाता है। दूसरी तरफ ललिता भी हम्बर्ट से अट्रैक्ट होने लग जाती है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और उसके कमरे में आकर उसके साथ मस्ती करने लग जाती है। हम्बर्ट को यह सब बहुत अच्छा लगने लगा था तो वो मिस एस भी हम्बर्ट को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो हम्बर्ट के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अगले दिन हैज हम्बर्ट को लेकर एक लेक पे जाती है जहाँ वो बताती है कि ललिता को समर कैंप के लिए भेजना पड़ेगा। इसके बाद वो सीधा बोर्डिंग स्कूल जाएगी। ये सुनकर हम्बर्ट को टेंशन हो जाती है क्योंकि वो ललिता के लिए ही इस घर में रुका था। अगले दिन जब ललिता को पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा नखरे करने लग जाती हैं। लेकिन उसकी मम उसे समझाती हैं। अगली सुबह हमें देखने के लिए मिलता है कि हम्बर्ट उठ जाता है, लेकिन वो खिड़की से देखता है तो ललिता जा रही थी। ललिता भी उसे देख लेती है और वो कार से उतरकर भागकर हम्बर्ट के पास चली जाती है। हम्बर्ट को हग कर लेती है और बाद में उसे किस भी कर लेती है। इसके बाद वो चली जाती है। ललिता के चले जाने के बाद एज हम्बर्ट को एक लेटर लिखती है जिसमें उसने लिखा होता शादी करने का प्रस्ताव। हम्बर्ट भी मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका था ललिता के करीब रहकर उसके हासिल करने का। वो ऐसे शादी कर लेता है। हम्बर्ट के साथ खपाखप करना चाहती थी लेकिन हम्बर्ट उसे किसी न किसी बहाने से बच जाता था। उसे खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसे सुला देता था। उसे बस ललिता का इंतजार था कि कब वो वापस आएगी। हैज को हम्बर्ट में ललिता के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन एक दिन हम्बर्ट जब बाहर था तो हैज उसकी पर्सनल डायरी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि हम्बर्ट की नज़र ललिता पर है। जब हम्बर्ट घर आता है तो ललिता उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वहाँ से रिश्ते सारे तोड़कर उससे चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पर पहुंचती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके वहीं पर हैज की वहीं पर मौत हो जाती है। हैज की मौत पर उसे दुख थोड़ा होता है, पर एक तरफ का उसका रास्ता भी साफ हो गया था। वो ललिता को लेने समर कैंप चला जाता है जहां वो ललिता को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब वो दोनों वापस आ रहे थे तब ललिता अपनी मोम के बारे में पूछती है तो हैज हम्बर्ट कहता है उससे कि वो बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। यह बातों बातों में दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और किस करने लग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ ललिता की एक मुलाकात क्लियर नाम के एक लड़के से होती है। हम्बर्ट भी उसे मिलता है पर वो उसका नाम नहीं जानता था। उसे लगता था कि ये बात कर रहा है। अब उस होटल में आने के बाद उनका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ वो दोनों गपागप करने लग जाते हैं। अगले दिन वो दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ ललिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि वो अपने मोम से बात करना चाहती थी। यहाँ हम्बर्ट उसे सब बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारी मोम अब नहीं रही, वो एक एक्सीडेंट में मर चुकी हैं। ये सुनकर ललिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दुख भी होता है। रात को बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, तब हम्बर्ट उसे सहारा देता है। अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरी कंट्री घूमेंगे और वो ट्रिप पर निकल जाते हैं। इसके बाद वो कई दिनों तक साथ रहते हैं, फिर मजे करते हैं। ट्रिप से वापस आने के बाद में हम्बर्ट जॉब करने लग जाता है और ललिता को भी स्कूल ज्वाइन करवा देता है। एक दिन ललिता उसे डांस क्लास के लिए पूछती है लेकिन हम्बर्ट उसे साफ मना कर देता है क्योंकि हम्बर्ट को डर था कि अगर डांस के बहाने ललिता किसी लड़के से मिली तो उनके बीच प्यार कम हो जाएगा। पर यहाँ ललिता उसे मना लेती है। इसके अगले दिन हम्बर्ट को ललिता के टीचर का कॉल आता है। टीचर हम्बर्ट से कहती है 2 दिन से ललिता क्लास के लिए नहीं आई है, तो हम्बर्ट को ललिता पर शक होता है और हम्बर्ट उसी के सामने उसके दोस्तों को कॉल करता है और पूछता है क्या ललिता तुम्हारे साथ थी। और इस पर ललिता को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से भाग जाती है, तो हम्बर्ट भी उसके पीछे जाता है। हम उसकी साइकिल देखता है तो वो अंदर जाने लग जाता है। तब ललिता फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हम्बर्ट से बहुत कुछ छुपा रही हो। इसके बाद वो दोनों एक ट्रिप पर चले जाते हैं जहाँ उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और हम्बर्ट ललिता को उस कार का नंबर नोट करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ हम्बर्ट ललिता से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो वो ललिता के पैरों में कीचड़ देखता है और उसके लिपस्टिक को फैला हुआ देखता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ललिता को किसी ने पेल दिया, इसीलिए वो भी ललिता को पेल देता है ज़बरदस्ती। इसके बाद ललिता की तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए हम्बर्ट उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। वो रात का समय था इसलिए डॉक्टर हम्बर्ट को घर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन हम्बर्ट अगले सुबह हॉस्पिटल में कॉल करता है ताकि वो ललिता की तबीयत जान सके
लेकिन हॉस्पिटल की नर्स बोलती हैं कि ललिता को उसके अंकल यहाँ से डिस्चार्ज करवा कर ले चुके हैं। इसके बाद हम्बर्ट पागलों की तरह उसे ढूंढने लग जाता है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी ललिता उसे नहीं मिलती है। अब हम्बर्ट बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम्बर्ट को एक ललिता का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अभी थोड़े पैसों की ज़रूरत है। इसके बाद हम्बर्ट गन और पैसे लेकर ललिता के पास चला जाता है। ललिता उसे बताती है कि वो क्लियर था जिसके साथ वो भागी थी, क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करती थी और उसने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ हम्बर्ट ललिता को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ललिता उसे कहती है कि मुझे कभी भी तुमसे प्यार नहीं था, मैं बस तुम्हारे साथ थी और तुम मुझे पेल रहे थे। ये बात हम्बर्ट को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। वो ललिता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो क्लेयर के पास जाता है और वहाँ जाकर उसे मार देता है, अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। ये वही सीन था जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। अब हम्बर्ट को क्लेयर को मार दिया था, इसलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, पर हम्बर्ट को इस बात का कोई भी डर नहीं था, क्योंकि जिस लड़की को अपना मानता था वो उसे प्यार ही नहीं करती थी। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है और 1 साल के अंदर जेल में उसकी मौत हो जाती है। और इसके अगले महीने ललिता भी अपने बच्चे को जन्म देकर मर जाती है, और यहीं पर यह मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर आपको इस मूवी का थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लगा तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे एक आदमी को 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वो उसकी मॉम से भी शादी कर लेता है। अब आगे इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की मूवी का नाम है ललिता, जो 1997 में रिलीज़ हुई थी। मूवी स्टार्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जिसके नाम हम्बर्ट होता है। हम्बर्ट अपनी कार लेकर कहीं जा रहा है, लेकिन उसके फेस पर खून लगा है। हम्बर्ट को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम हम्बर्ट के बचपन को देख सकते हैं। जब हम्बर्ट 14 साल का था तो उसे एक स्कूल में एनाबेल लड़की के नाम से प्यार हो जाता है, और एनाबेल भी हम्बर्ट से प्यार करती थी। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन किसी बीमारी की वजह से एनाबेल की मौत हो जाती है। एना की मौत के बाद हम्बर्ट पूरी तरह से टूट जाता है। एना के बाद उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है और वो बस उसकी यादों के सहारे जी रहा होता है। इसके काफ़ी समय बाद बीतने के बाद हमें हम्बर्ट को 40 साल की उम्र में दिखाया जाता है। हम्बर्ट एक स्कूल का प्रोफेसर बन जाता है और उसे एक नॉवल लिखने के लिए उसे समर की छुट्टियों में भेज दिया जाता है अपने अंकल के घर पर, लेकिन किसी रीजन की वजह से उसके अंकल के घर में भी आग लग जाती है। इसलिए हम्बर्ट के अंकल से अपने फ्रेंड के घर भेज देते हैं जिसका नाम मिस हैस था। हैस को हम्बर्ट पहली नज़र में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो उसे उसका कमरा दिखाने लग जाती हैं, लेकिन हम्बर्ट को वो कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि वो बहुत छोटा और गंदा भी था। मिस हैस भी बिना वजह उसके करीब आने लग जाती हैं, जो हम्बर्ट को अच्छा नहीं लगता है। हम्बर्ट इसके बाद गार्डन में चला जाता है। गार्डन में हम्बर्ट की नज़र हैस की बेटी ललिता पर पड़ती है। ललिता को देखकर हम्बर्ट के मुँह में पानी आ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो बिल्कुल ऐना की तरह ही दिख रही थी। जब ललिता हम्बर्ट से नज़रें मिलाती है तो हम्बर्ट उस घर में रहने का फैसला कर लेता है। वो अपनी नॉवल लिखने लग जाता है और साथ ही में वो ललिता को ताड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता है। ललिता में उसे ऐना नज़र आने लग जाती है। यही वजह थी कि वो ललिता से प्यार करने लग जाता है। दूसरी तरफ ललिता भी हम्बर्ट से अट्रैक्ट होने लग जाती है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और उसके कमरे में आकर उसके साथ मस्ती करने लग जाती है। हम्बर्ट को यह सब बहुत अच्छा लगने लगा था, तो वो मिस एस भी हम्बर्ट को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो हम्बर्ट के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अगले दिन हैज हम्बर्ट को लेकर एक लेक पर जाती है, जहाँ वो बताती है कि ललिता को समर कैंप के लिए भेजना पड़ेगा। इसके बाद वो सीधा बोर्डिंग स्कूल जाएगी। ये सुनकर हम्बर्ट को टेंशन हो जाती है क्योंकि वो ललिता के लिए ही इस घर में रुका था। अगले दिन जब ललिता को पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा नखरे करने लग जाती हैं, लेकिन उसकी मम उसे समझाती हैं। अगली सुबह हमें देखने के लिए मिलता है कि हम्बर्ट उठ जाता है, लेकिन वो खिड़की से देखता है तो ललिता जा रही थी। ललिता भी उसे देख लेती है और वो कार से उतरकर भागकर हम्बर्ट के पास चली जाती है। हम्बर्ट को हग कर लेती है और बाद में उसे किस भी कर लेती है। इसके बाद वो चली जाती है। ललिता के चले जाने के बाद एज हम्बर्ट को एक लेटर लिखती है जिसमें उसने लिखा होता शादी करने का प्रस्ताव। हम्बर्ट भी मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका था ललिता के करीब रहकर उसके हासिल करने का।
वो ऐसे शादी कर लेता है। डेविड के साथ गपागप करना चाहती थी लेकिन हम्बर्ट उसे किसी न किसी बहाने से बच जाता था। उसे खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसे सुला देता था। उसे बस ललिता का इंतजार था कि कब वो वापस आएगी। हैज़ को हम्बर्ट में ललिता के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन एक दिन हम्बर्ट जब बाहर था तो हैज़ उसकी पर्सनल डायरी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि हम्बर्ट की नज़र ललिता पर है। जब हम्बर्ट घर आता है तो ललिता उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वहाँ से रिश्ते सारे तोड़कर उससे चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पर पहुंचती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके वहीं पर हैज़ की वहीं पर मौत हो जाती है। हैज़ की मौत पर उसे दुख थोड़ा होता है, पर एक तरफ का उसका रास्ता भी साफ हो गया था। वो ललिता को लेने समर कैंप चला जाता है, जहां वो ललिता को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब वो दोनों वापस आ रहे थे तब ललिता अपनी मोम के बारे में पूछती है तो हैज़ हम्बर्ट कहता है उससे कि वो बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। यह बातों बातों में दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और किस करने लग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ ललिता की एक मुलाकात क्लियर नाम के एक लड़के से होती है। हम्बर्ट भी उसे मिलता है पर वो उसका नाम नहीं जानता था। उसे लगता था कि दिक्कत कर रहा है। अब उस होटल में आने के बाद उनका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ वो दोनों गपागप करने लग जाते हैं। अगले दिन वो दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ ललिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि वो अपने मोम से बात करना चाहती थी। यहाँ हम्बर्ट उसे सब बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारी मोम अब नहीं रही, वो एक एक्सीडेंट में मर चुकी हैं। ये सुनकर ललिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दुख भी होता है। रात को बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, तब हम्बर्ट उसे सहारा देता है। अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरे कंट्री घूमेंगे और वो ट्रिप पर निकल जाते हैं। इसके बाद वो कई दिनों तक साथ रहते हैं, फिर मजे करते हैं। ट्रिप से वापस आने के बाद में हम्बर्ट जॉब करने लग जाता है और ललिता को भी स्कूल ज्वाइन करवा देता है। एक दिन ललिता उसे डांस क्लास के लिए पूछती है लेकिन हम्बर्ट उसे साफ मना कर देता है क्योंकि हम्बर्ट को डर था कि अगर डांस के बहाने ललिता किसी लड़के से मिली तो उनके बीच प्यार कम हो जाएगा, पर यहाँ ललिता उसे मना लेती है। इसके अगले दिन हम्बर्ट को ललिता के टीचर का कॉल आता है। टीचर हम्बर्ट से कहती है 2 दिन से ललिता क्लास के लिए नहीं आई है, तो हम्बर्ट को ललिता पर शक होता है और हम्बर्ट उसी के सामने उसके दोस्तों को कॉल करता है और पूछता है क्या ललिता तुम्हारे साथ थी, और इस पर ललिता को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से भाग जाती है। तो हम्बर्ट भी उसके पीछे जाता है, वो उसकी साइकिल देखता है तो वो अंदर जाने लग जाता है। तब ललिता फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हम्बर्ट से बहुत कुछ छुपा रही हो। इसके बाद वो दोनों एक ट्रिप पर चले जाते हैं जहाँ उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और हम्बर्ट ललिता को उस कार का नंबर नोट करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहां हम्बर्ट ललिता से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं तो मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, ये कह के वहां से चला जाता है। लेकिन जब वापस आता है तो वो ललिता के पैरों में कीचड़ देखता है और उसके लिपस्टिक को फैला हुआ देखता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ललिता को किसी ने पेल दिया, इसीलिए वो भी ललिता को पेल देता है ज़बरदस्ती। इसके बाद ललिता की तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए हम्बर्ट उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। वो रात का समय था इसलिए डॉक्टर हम्बर्ट को घर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन हम्बर्ट अगली सुबह हॉस्पिटल में कॉल करता है ताकि वो ललिता की तबीयत जान सके। लेकिन हॉस्पिटल की नर्स बोलती हैं कि ललिता को उसके अंकल यहाँ से डिस्चार्ज करवा कर ले चुके हैं। इसके बाद हम्बर्ट पागलों की तरह उसे ढूंढने लग जाता है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी ललिता उसे नहीं मिलती है। अब हम्बर्ट बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम्बर्ट को एक ललिता का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अभी थोड़े पैसों की ज़रूरत है। इसके बाद हम्बर्ट गन और पैसे लेकर ललिता के पास चला जाता है। ललिता उसे बताती है कि वो क्लियर था जिसके साथ वो भागी थी क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करती थी और उसने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ हम्बर्ट ललिता को मनाने की कोशिश करता है लेकिन ललिता उसे कहती है कि मुझे कभी भी तुमसे प्यार नहीं था, मैं बस तुम्हारे साथ थी और तुम मुझे पेल रहे थे। ये बात हम्बर्ट को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। वो ललिता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो क्लेयर के पास जाता है और वहाँ जाकर उसे मार देता है और अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। ये वही सीन था जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। अब हम्बर्ट को क्लेयर को मार दिया था इसलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, पर हम्बर्ट को इस बात का कोई भी डर नहीं था क्योंकि जिस लड़की को अपना मानता था वो उसे प्यार ही नहीं करती थी। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है और 1 साल के अंदर जेल में उसकी मौत हो जाती है और इसके अगले महीने ललिता भी अपने बच्चे को जन्म देकर मर जाती है और यहीं पर यह मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर आपको इस मूवी का थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगा तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।
तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे एक आदमी को 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वो उसकी मॉम से भी शादी कर लेता है। अब आगे इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की मूवी का नाम है लोलिता जो 1997 में रिलीज़ हुई थी। मूवी स्टार्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जिसके नाम हम्बर्ड होता है। हम्बर्ड अपनी कार लेकर कहीं जा रहा है लेकिन उसके फेस पर खून लगा है। हम्बर्ड को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ है। इसे बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम हम्बर्ड के बचपन को देख सकते हैं। जब हम्बर्ड 14 साल का था तो उसे एक स्कूल में एनाबेल लड़की के नाम से प्यार हो जाता है और एनाबेल भी हम्बर्ड से प्यार करती थी। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे लेकिन एक दिन किसी बीमारी की वजह से एनाबेल की मौत हो जाती है। एना की मौत के बाद हम्बर्ड पूरी तरह से टूट जाता है। एना के बाद उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है और वो बस उसकी यादों के सहारे जी रहा होता है। इसके काफ़ी समय बाद बीतने के बाद हमें हम्बर्ड को 40 साल की उम्र में दिखाया जाता है। हम्बर्ड एक स्कूल का प्रोफेसर बन जाता है और उसे एक नॉवल लिखने के लिए उसे समर की छुट्टियों में भेज दिया जाता है अपने अंकल के घर पर। लेकिन किसी रीजन की वजह से उसके अंकल के घर में भी आग लग जाती है इसलिए हम्बर्ड के अंकल अपने फ्रेंड के घर भेज देते हैं जिसका नाम मिस हैस था। हैस को हम्बर्ड पहली नज़र में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वह उसे उसका कमरा दिखाने लग जाती है लेकिन हम्बर्ड को वो कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि वह बहुत छोटा और गंदा भी था। मिस हैस भी बिना वजह उसके करीब आने लग जाती हैं जो हम्बर्ड को अच्छा नहीं लगता है। हम्बर्ड इसके बाद गार्डन में चला जाता है। गार्डन में हम्बर्ड की नज़र हैस की बेटी ललिता पर पड़ती है। ललिता को देखकर हम्बर्ड के मुंह में पानी आ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो बिल्कुल ऐना की तरह ही दिख रही थी। जब ललिता हम्बर्ड से नज़रें मिलाती है तो हम्बर्ड उस घर में रहने का फैसला कर लेता है। वो अपनी नॉवल लिखने लग जाता है और साथ ही में वो ललिता को ताड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता है। ललिता में उसे ऐना नज़र आने लग जाती है। यही वजह थी कि वो ललिता से प्यार करने लग जाता है। दूसरी तरफ ललिता भी हम्बर्ड से अट्रैक्ट होने लग जाती है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और उसके कमरे में आकर उसके साथ मस्ती करने लग जाती है। हम्बर्ड को यह सब बहुत अच्छा लगने लगा था तो वो मिस एस भी हम्बर्ड को पसंद करने लगी थी इसलिए वो हम्बर्ड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अगले दिन हैज हम्बर्ड को लेकर एक लेक पर जाती है जहाँ वो बताती है कि ललिता को समर कैंप के लिए भेजना पड़ेगा। इसके बाद वो सीधा बोर्डिंग स्कूल जाएगी। ये सुनकर हम्बर्ड को टेंशन हो जाती है क्योंकि वो ललिता के लिए ही इस घर में रुका था। अगले दिन जब ललिता को पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा नखरे करने लग जाती हैं लेकिन उसकी मम उसे समझाती हैं। अगली सुबह हमें देखने के लिए मिलता है कि हम्बर्ड उठ जाता है लेकिन वो खिड़की से देखता है तो ललिता जा रही थी। ललिता भी उसे देख लेती है और वो कार से उतरकर भागकर हम्बर्ड के पास चली जाती है। हम्बर्ड को हग कर लेती है और बाद में उसे किस भी कर लेती है। इसके बाद वो चली जाती है। ललिता के चले जाने के बाद एज हम्बर्ड को एक लेटर लिखती है जिसमें उसने लिखा होता शादी करने का प्रस्ताव। हम्बर्ड भी मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका था ललिता के करीब रहकर उसके हासिल करने का। वो ऐसे शादी कर लेता है। हम्बर्ड के साथ खपाखप करना चाहती थी लेकिन हम्बर्ड उसे किसी न किसी बहाने से बच जाता था। उसे खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसे सुला देता था। उसे बस ललिता का इंतजार था कि कब वो वापस आएगी। हैज को हम्बर्ड में ललिता के बारे में कुछ पता नहीं था लेकिन एक दिन हम्बर्ड जब बाहर था तो हैज उसकी पर्सनल डायरी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि हम्बर्ड की नज़र ललिता पर है। जब हम्बर्ड घर आता है तो ललिता उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वहाँ से रिश्ते सारे तोड़कर उससे चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पर पहुंचती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके वहीं पर हैज की वहीं पर मौत हो जाती है। हैज की मौत पर उसे दुख थोड़ा होता है पर एक तरफ का उसका रास्ता भी साफ हो गया था। वो ललिता को लेने समर कैंप चला जाता है जहां वो ललिता को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब वो दोनों वापस आ रहे थे तब ललिता अपनी मॉम के बारे में पूछती है तो हैज हम्बर्ड कहता है उससे कि वो बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। यह बातों बातों में दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और किस करने लग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ ललिता की एक मुलाकात क्लियर नाम के एक लड़के से होती है। हम्बर्ड भी उसे मिलता है पर वो उसका नाम नहीं जानता था। उसे लगता था कि दिक्कत कर रहा है। अब उस होटल में आने के बाद उनका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ वो दोनों गपागप करने लग जाते हैं। अगले दिन वो दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ ललिता हम्बर्ड से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि वो अपने मॉम से बात करना चाहती थी। यहाँ हम्बर्ड उसे सब बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम अब नहीं रही, वो एक एक्सीडेंट में मर चुकी हैं। ये सुनकर ललिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दुख भी होता है। रात को बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है तब हम्बर्ड उसे सहारा देता है। अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरी कंट्री घूमेंगे और वो ट्रिप पर निकल जाते हैं। इसके बाद वो कई दिनों तक
साथ रहते हैं, फिर मजे करते हैं। ट्रिप से वापस आने के बाद में हम्बर्ट जॉब करने लग जाता है और ललिता को भी स्कूल ज्वाइन करवा देता है। एक दिन ललिता उसे डांस क्लास के लिए पूछती है, लेकिन हम्बर्ट उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि हम्बर्ट को डर था कि अगर डांस के बहाने ललिता किसी लड़के से मिली तो उनके बीच प्यार कम हो जाएगा। पर यहाँ ललिता उसे मना लेती है। इसके अगले दिन हम्बर्ट को ललिता के टीचर का कॉल आता है। टीचर हम्बर्ट से कहती है 2 दिन से ललिता क्लास के लिए नहीं आई है। तो हम्बर्ट को ललिता पर शक होता है और हम्बर्ट उसी के सामने उसके दोस्तों को कॉल करता है और पूछता है क्या ललिता तुम्हारे साथ थी। और इस पे ललिता को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से भाग जाती है। तो हम्बर्ट भी उसके पीछे जाता है। हम उसके साइकिल देखता है तो वो अंदर जाने लग जाता है। तब ललिता फोन पर किसी से बात कर रही थी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हम्बर्ट से बहुत कुछ छुपा रही हो। इसके बाद वो दोनों एक ट्रिप पर चले जाते हैं जहाँ उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और हम्बर्ट ललिता को उस कार का नंबर नोट करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ हम्बर्ट ललिता से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। ये कह के वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वापस आता है तो वो ललिता के पैरों में कीचड़ देखता है और उसके लिपस्टिक को फैला हुआ देखता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ललिता को किसी ने पेल दिया, इसीलिए वो भी ललिता को पेल देता है ज़बरदस्ती। इसके बाद ललिता की तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए हम्बर्ट उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। वो रात का समय था इसलिए डॉक्टर हम्बर्ट को घर जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन हम्बर्ट अगले सुबह हॉस्पिटल में कॉल करता है ताकि वो ललिता की तबीयत जान सके। लेकिन हॉस्पिटल की नर्स बोलती हैं कि ललिता को उसके अंकल यहाँ से डिस्चार्ज करवा कर ले चुके हैं। इसके बाद हम्बर्ट पागलों की तरह उसे ढूंढने लग जाता है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी ललिता उसे नहीं मिलती है। अब हम्बर्ट बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम्बर्ट को एक ललिता का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अभी थोड़े पैसों की ज़रूरत है। इसके बाद हम्बर्ट गन और पैसे लेकर ललिता के पास चला जाता है। ललिता उसे बताती है कि वो क्लियर था जिसके साथ वो भागी थी क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करती थी और उसने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ हम्बर्ट ललिता को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ललिता उसे कहती है कि मुझे कभी भी तुमसे प्यार नहीं था, मैं बस तुम्हारे साथ थी और तुम मुझे पेल रहे थे। ये बात हम्बर्ट को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। वो ललिता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो क्लेयर के पास जाता है और वहाँ जाकर उसे मार देता है और अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। ये वही सीन था जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। अब हम्बर्ट को क्लेयर को मार दिया था इसलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, पर हम्बर्ट को इस बात का कोई भी डर नहीं था क्योंकि जिस लड़की को वो अपना मानता था वो उसे प्यार ही नहीं करती थी। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है और 1 साल के अंदर जेल में उसकी मौत हो जाती है। और इसके अगले महीने ललिता भी अपने बच्चे को जन्म देकर मर जाती है और यहीं पर यह मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर आपको इस मूवी का थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगा तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे एक आदमी को 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वो उसकी मॉम से भी शादी कर लेता है। अब आगे इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की मूवी का नाम है ललिता जो 1997 में रिलीज़ हुई थी। मूवी स्टार्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जिसके नाम हम्बर्ट होता है। हम्बर्ट अपनी कार लेकर कहीं जा रहा है लेकिन उसके फेस पर खून लगा है। हम्बर्ट को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ है। इसे बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम हम्बर्ट के बचपन को देख सकते हैं। जब हम्बर्ट 14 साल का था तो उसे एक स्कूल में एनाबेल लड़की के नाम से प्यार हो जाता है और एनाबेल भी हम्बर्ट से प्यार करती थी। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे लेकिन एक दिन किसी बीमारी की वजह से एनाबेल की मौत हो जाती है। एना की मौत के बाद हम्बर्ट पूरी तरह से टूट जाता है। एना के बाद उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है और वो बस उसकी यादों के सहारे जी रहा होता है। इसके काफ़ी समय बाद बीतने के बाद हमें हम्बर्ट को 40 साल की उम्र में दिखाया जाता है। हम्बर्ट एक स्कूल का प्रोफेसर बन जाता है और उसे एक नॉवल लिखने के लिए उसे समर की छुट्टियों में भेज दिया जाता है अपने अंकल के घर पर। लेकिन किसी रीजन की वजह से उसके अंकल के घर में भी आग लग जाती है, इसलिए हम्बर्ट के अंकल अपने फ्रेंड के घर भेज देते हैं जिसका नाम मिस हैस था। हैस को हम्बर्ट पहली नज़र में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वह उसे उसका कमरा दिखाने लग जाती है लेकिन हम्बर्ट को वो कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि वह बहुत छोटा और गंदा भी था। मिस हैस भी बिना वजह उसके करीब आने लग जाते हैं जो हम्बर्ट को अच्छा नहीं लगता है। हम्बर्ट इसके बाद गार्डन में चला जाता है। गार्डन में हम्बर्ट की नज़र हैस की बेटी ललिता पर पड़ती है। ललिता को देखकर हम्बर्ट के मुँह में पानी आ जाता है
कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, वो बिल्कुल ऐना की तरह ही दिख रही थी। जब ललितो हम्बर्ट से नज़रें मिलाती है तो हम्बर्ट उस घर में रहने का फैसला कर लेता है। हाँ, वो अपनी नॉवल लिखने लग जाता है और साथ ही में वो ललिता को ताड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता है। ललिता में उसे ऐना नज़र आने लग जाती है, यही वजह थी कि वो ललिता से प्यार करने लग जाता है। दूसरी तरफ ललिता भी हम्बर्ट से अट्रैक्ट होने लग जाती है, वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और उसके कमरे में आकर उसके साथ मस्ती करने लग जाती है। हम्बर्ट को यह सब बहुत अच्छा लगने लगा था तो वो मिस एस भी हम्बर्ट को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो हम्बर्ट के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अगले दिन हैज हम्बर्ट को लेकर एक लेक पे जाती है जहाँ वो बताती है कि ललिता को समर कैंप के लिए भेजना पड़ेगा, इसके बाद वो सीधा बोर्डिंग स्कूल जाएगी। ये सुनकर हम्बर्ट को टेंशन हो जाती है क्योंकि वो ललिता के लिए ही इस घर में रुका था। अगले दिन जब ललिता को पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा नखरे करने लग जाती हैं। लेकिन उसकी मम उसे समझाती हैं। अगली सुबह हमें देखने के लिए मिलता है कि हम्बर्ट उठ जाता है, लेकिन वो खिड़की से देखता है तो ललिता जा रही थी। ललिता भी उसे देख लेती है और वो कार से उतरकर भागकर हम्बर्ट के पास चली जाती है। हम्बर्ट को हग कर लेती है और बाद में उसे किस भी कर लेती है। इसके बाद वो चली जाती है। ललिता के चले जाने के बाद एस हम्बर्ट को एक लेटर लिखती है जिसमें उसने लिखा होता शादी करने का प्रस्ताव। हम्बर्ट भी मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका था ललिता के करीब रहकर उसके हासिल करने का। वो ऐसे शादी कर लेता है। हम्बर्ट के साथ खपा खप करना चाहती थी लेकिन हम्बर्ट उसे किसी न किसी बहाने से बच जाता था। उसे खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसे सुला देता था। उसे बस ललिता का इंतजार था कि कब वो वापस आएगी। हैज को हम्बर्ट में ललिता के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन एक दिन हम्बर्ट जब बाहर था तो हैज उसकी पर्सनल डायरी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि हम्बर्ट की नज़र ललिता पर है। जब हम्बर्ट घर आता है तो ललिता उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वहाँ से रिश्ते सारे तोड़कर उससे चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पर पहुंचती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके वहीं पर हैज की वहीं पर मौत हो जाती है। हैज की मौत पर उसे दुख थोड़ा होता है, पर एक तरफ का उसका रास्ता भी साफ हो गया था। वो ललिता को लेने समर कैंप चला जाता है जहां वो ललिता को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब वो दोनों वापस आ रहे थे तब ललिता अपनी मॉम के बारे में पूछती है तो हैज हम्बर्ट कहता है उससे कि वो बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। यह बातों बातों में दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और किस करने लग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ ललिता की एक मुलाकात नाम के एक लड़के से होती है। हम्बर्ट भी उसे मिलता है पर वो उसका नाम नहीं जानता था। उसे लगता था कि ये बात कर रहा है। अब उस होटल में आने के बाद उनका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ वो दोनों गपागप करने लग जाते हैं। अगले दिन वो दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ ललिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि वो अपने मॉम से बात करना चाहती थी। यहाँ हम्बर्ट उसे सब बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम अब नहीं रही, वो एक एक्सीडेंट में मर चुकी हैं। ये सुनकर ललिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दुख भी होता है। रात को बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, तब हम्बर्ट उसे सहारा देता है। अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरे कंट्री घूमेंगे और वो ट्रिप पर निकल जाते हैं। इसके बाद वो कई दिनों तक साथ रहते हैं, फिर मजे करते हैं। ट्रिप से वापस आने के बाद में हम्बर्ट जॉब करने लग जाता है और ललिता को भी स्कूल ज्वाइन करवा देता है। एक दिन ललिता उसे डांस क्लास के लिए पूछती है लेकिन हम्बर्ट उसे साफ मना कर देता है क्योंकि हम्बर्ट को डर था कि अगर डांस के बहाने ललिता किसी लड़के से मिली तो उनके बीच प्यार कम हो जाएगा। पर यहाँ ललिता उसे मना लेती है। इसके अगले दिन हम्बर्ट को ललिता के टीचर का कॉल आता है। टीचर हम्बर्ट से कहती है 2 दिन से ललिता क्लास के लिए नहीं आई है, तो हम्बर्ट को ललिता पर शक होता है और हम्बर्ट उसी के सामने उसके दोस्तों को कॉल करता है और पूछता है क्या ललिता तुम्हारे साथ थी, और इस पर ललिता को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से भाग जाती है। तो हम्बर्ट भी उसके पीछे जाता है। वो उसकी साइकिल देखता है तो वो अंदर जाने लग जाता है। तब ललिता फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हम्बर्ट से बहुत कुछ छुपा रही हो। इसके बाद वो दोनों एक ट्रिप पर चले जाते हैं जहाँ उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और हम्बर्ट ललिता को उस कार का नंबर नोट करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ हम्बर्ट ललिता से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, ये कह के वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वापस आता है तो वो ललिता के पैरों में कीचड़ देखता है और उसके लिपस्टिक को फैला हुआ देखता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ललिता को किसी ने पेल दिया, इसीलिए वो भी ललिता को पेल देता है ज़बरदस्ती। इसके बाद ललिता की तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए हम्बर्ट उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। वो रात का समय था इसलिए डॉक्टर हम्बर्ट को घर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन हम्बर्ट अगले सुबह हॉस्पिटल में कॉल करता है ताकि वो ललिता की तबीयत जान सके।
लेकिन हॉस्पिटल की नर्स बोलती हैं कि ललिता को उसके अंकल यहाँ से डिस्चार्ज करवा कर ले चुके हैं। इसके बाद हम्बर्ट पागलों की तरह उसे ढूंढने लग जाता है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी ललिता उसे नहीं मिलती है। अब हम्बर्ट बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम्बर्ट को एक ललिता का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अभी थोड़े पैसों की ज़रूरत है। इसके बाद हम्बर्ट गन और पैसे लेकर ललिता के पास चला जाता है। ललिता उसे बताती है कि वो क्लियर था जिसके साथ वो भागी थी, क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करती थी और उसने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ हम्बर्ट ललिता को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ललिता उसे कहती है कि मुझे कभी भी तुमसे प्यार नहीं था, मैं बस तुम्हारे साथ थी और तुम मुझे पेल रहे थे। ये बात हम्बर्ट को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। वो ललिता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो क्लेयर के पास जाता है और वहाँ जाकर उसे मार देता है और अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। ये वही सीन था जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। अब हम्बर्ट को क्लेयर को मार दिया था, इसलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, पर हम्बर्ट को इस बात का कोई भी डर नहीं था क्योंकि जिस लड़की को वो अपना मानता था वो उसे प्यार ही नहीं करती थी। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है और 1 साल के अंदर जेल में उसकी मौत हो जाती है। और इसके अगले महीने ललिता भी अपने बच्चे को जन्म देकर मर जाती है और यहीं पर यह मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर आपको इस मूवी का थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगा तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे एक आदमी को 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वो उसकी मॉम से भी शादी कर लेता है। अब आगे इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की मूवी का नाम है ललिता, जो 1997 में रिलीज़ हुई थी। मूवी स्टार्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जिसके नाम हम्बर्ट होता है। हम्बर्ट अपनी कार लेकर कहीं जा रहा है, लेकिन उसके फेस पर खून लगा है। हम्बर्ट को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम हम्बर्ट के बचपन को देख सकते हैं। जब हम्बर्ट 14 साल का था तो उसे एक स्कूल में एनाबेल लड़की के नाम से प्यार हो जाता है और एनाबेल भी हम्बर्ट से प्यार करती थी। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन किसी बीमारी की वजह से एनाबेल की मौत हो जाती है। एना की मौत के बाद हम्बर्ट पूरी तरह से टूट जाता है। एना के बाद उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है और वो बस उसकी यादों के सहारे जी रहा होता है। इसके काफ़ी समय बाद बीतने के बाद हमें हम्बर्ट को 40 साल की उम्र में दिखाया जाता है। हम्बर्ट एक स्कूल का प्रोफेसर बन जाता है और उसे एक नॉवल लिखने के लिए उसे समर की छुट्टियों में भेज दिया जाता है अपने अंकल के घर पर। लेकिन किसी रीजन की वजह से उसके अंकल के घर में भी आग लग जाती है, इसलिए हम्बर्ट के अंकल से अपने फ्रेंड के घर भेज देते हैं जिसका नाम मिस हैस था। हैस को हम्बर्ट पहली नज़र में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वह उसे उसका कमरा दिखाने लग जाती है, लेकिन हम्बर्ट को वो कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि वह बहुत छोटा और गंदा भी था। मिस हैस भी बिना वजह उसके करीब आने लग जाते हैं, जो हम्बर्ट को अच्छा नहीं लगता है। हम्बर्ट इसके बाद गार्डन में चला जाता है। गार्डन में हम्बर्ट की नज़र हैस की बेटी ललिता पर पड़ती है। ललिता को देखकर हम्बर्ट के मुंह में पानी आ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, वो बिल्कुल ऐना की तरह ही दिख रही थी। जब ललिता हम्बर्ट से नज़रें मिलाती है तो हम्बर्ट उस घर में रहने का फैसला कर लेता है। हाँ, वो अपनी नॉवल लिखने लग जाता है और साथ ही में वो ललिता को ताड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता है। ललिता में उसे ऐना नज़र आने लग जाती है, यही वजह थी कि वो ललिता से प्यार करने लग जाता है। दूसरी तरफ ललिता भी हम्बर्ट से अट्रैक्ट होने लग जाती है, वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और उसके कमरे में आकर उसके साथ मस्ती करने लग जाती है। हम्बर्ट को यह सब बहुत अच्छा लगने लगा था, तो वो मिस एस भी हम्बर्ट को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो हम्बर्ट के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अगले दिन हैज हम्बर्ट को लेकर एक लेक पे जाती है, जहां वो बताती है कि ललिता को समर कैंप के लिए भेजना पड़ेगा। इसके बाद वो सीधा बोर्डिंग स्कूल जाएगी। ये सुनकर हम्बर्ट को टेंशन हो जाती है क्योंकि वो ललिता के लिए ही इस घर में रुका था। अगले दिन जब ललिता को पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा नखरे करने लग जाती हैं, लेकिन उसकी मम उसे समझाती हैं। अगली सुबह हमें देखने के लिए मिलता है कि हम्बर्ट उठ जाता है, लेकिन वो खिड़की से देखता है तो ललिता जा रही थी। ललिता भी उसे देख लेती है और वो कार से उतरकर भागकर हम्बर्ट के पास चली जाती है। हम्बर्ट को हग कर लेती है और बाद में उसे किस भी कर लेती है। इसके बाद वो चली जाती है। ललिता के चले जाने के बाद एज हम्बर्ट को एक लेटर लिखती है जिसमें उसने लिखा होता शादी करने का प्रस्ताव। हम्बर्ट भी मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका था ललिता के करीब रहकर उसके हासिल करने का। वो ऐसे शादी कर लेता है।
हम्बर्ट के साथ खपाखप करना चाहती थी, लेकिन हम्बर्ट उसे किसी न किसी बहाने से बच जाता था। उसे खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसे सुला देता था। उसे बस ललिता का इंतजार था कि कब वो वापस आएगी। हैज को हम्बर्ट में ललिता के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन एक दिन हम्बर्ट जब बाहर था तो हैज उसकी पर्सनल डायरी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि हम्बर्ट की नज़र ललिता पर है। जब हम्बर्ट घर आता है तो ललिता उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वहाँ से रिश्ते सारे तोड़कर उससे चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पर पहुंचती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके वहीं पर हैज की वहीं पर मौत हो जाती है। हैज की मौत पर उसे दुख थोड़ा होता है, पर एक तरफ का उसका रास्ता भी साफ हो गया था। वो ललिता को लेने समर कैंप चला जाता है, जहां वो ललिता को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब वो दोनों वापस आ रहे थे तब ललिता अपनी मोम के बारे में पूछती है, तो हैज हम्बर्ट कहता है उससे कि वो बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। यह बातों बातों में दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और किस करने लग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहां ललिता की एक मुलाकात क्लियर नाम के एक लड़के से होती है। हम्बर्ट भी उसे मिलता है, पर वो उसका नाम नहीं जानता था। उसे लगता था कि दिक्कत कर रहा है। अब उस होटल में आने के बाद उनका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ वो दोनों गपागप करने लग जाते हैं। अगले दिन वो दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ ललिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है, क्योंकि वो अपने मोम से बात करना चाहती थी। यहाँ हम्बर्ट उसे सब बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारी मोम अब नहीं रही, वो एक एक्सीडेंट में मर चुकी हैं। ये सुनकर ललिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दुख भी होता है। रात को बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, तब हम्बर्ट उसे सहारा देता है। अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरी कंट्री घूमेंगे और वो ट्रिप पर निकल जाते हैं। इसके बाद वो कई दिनों तक साथ रहते हैं, फिर मजे करते हैं। ट्रिप से वापस आने के बाद में हम्बर्ट जॉब करने लग जाता है और ललिता को भी स्कूल ज्वाइन करवा देता है। एक दिन ललिता उसे डांस क्लास के लिए पूछती है, लेकिन हम्बर्ट उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि हम्बर्ट को डर था कि अगर डांस के बहाने ललिता किसी लड़के से मिली तो उनके बीच प्यार कम हो जाएगा। पर यहाँ ललिता उसे मना लेती है। इसके अगले दिन हम्बर्ट को ललिता के टीचर का कॉल आता है। टीचर हम्बर्ट से कहती है 2 दिन से ललिता क्लास के लिए नहीं आई है, तो हम्बर्ट को ललिता पर शक होता है और हम्बर्ट उसी के सामने उसके दोस्तों को कॉल करता है और पूछता है क्या ललिता तुम्हारे साथ थी। और इस पर ललिता को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से भाग जाती है, तो हम्बर्ट भी उसके पीछे जाता है। हम उसकी साइकिल देखता है तो वो अंदर जाने लग जाता है। तब ललिता फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हम्बर्ट से बहुत कुछ छुपा रही हो। इसके बाद वो दोनों एक ट्रिप पर चले जाते हैं, जहाँ उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और हम्बर्ट ललिता को उस कार का नंबर नोट करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहाँ हम्बर्ट ललिता से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। ये कह के वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब वापस आता है तो वो ललिता के पैरों में कीचड़ देखता है और उसके लिपस्टिक को फैला हुआ देखता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ललिता को किसी ने पेल दिया, इसीलिए वो भी ललिता को पेल देता है ज़बरदस्ती। इसके बाद ललिता की तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए हम्बर्ट उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। वो रात का समय था, इसलिए डॉक्टर हम्बर्ट को घर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन हम्बर्ट अगली सुबह हॉस्पिटल में कॉल करता है ताकि वो ललिता की तबीयत जान सके। लेकिन हॉस्पिटल की नर्स बोलती हैं कि ललिता को उसके अंकल यहाँ से डिस्चार्ज करवा कर ले चुके हैं। इसके बाद हम्बर्ट पागलों की तरह उसे ढूंढने लग जाता है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी ललिता उसे नहीं मिलती है। अब हम्बर्ट बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम्बर्ट को एक ललिता का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अभी थोड़े पैसों की ज़रूरत है। इसके बाद हम्बर्ट गन और पैसे लेकर ललिता के पास चला जाता है। ललिता उसे बताती है कि वो क्लियर था जिसके साथ वो भागी थी, क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करती थी और उसने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ हम्बर्ट ललिता को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ललिता उसे कहती है कि मुझे कभी भी तुमसे प्यार नहीं था, मैं बस तुम्हारे साथ थी और तुम मुझे पेल रहे थे। ये बात हम्बर्ट को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। वो ललिता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो क्लेयर के पास जाता है और वहाँ जाकर उसे मार देता है और अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। ये वही सीन था जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। अब हम्बर्ट को क्लेयर को मार दिया था, इसलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, पर हम्बर्ट को इस बात का कोई भी डर नहीं था, क्योंकि जिस लड़की को वो अपना मानता था वो उसे प्यार ही नहीं करती थी। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है और 1 साल के अंदर जेल में उसकी मौत हो जाती है। और इसके अगले महीने ललिता भी अपने बच्चे को जन्म देकर मर जाती है और यहीं पर यह मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर आपको इस मूवी का थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगा तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।
तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे एक आदमी को 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वो उसकी मॉम से भी शादी कर लेता है। अब आगे इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की मूवी का नाम है लोलिता जो 1997 में रिलीज़ हुई थी। मूवी स्टार्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जिसके नाम हम्बर्ट होता है। हम्बर्ट अपनी कार लेकर कहीं जा रहा है लेकिन उसके फेस पर खून लगा है। हम्बर्ट को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ है। इसे बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम हम्बर्ट के बचपन को देख सकते हैं। जब हम्बर्ट 14 साल का था तो उसे एक स्कूल में एनाबेल लड़की के नाम से प्यार हो जाता है और एनाबेल भी हम्बर्ट से प्यार करती थी। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे लेकिन एक दिन किसी बीमारी की वजह से एनाबेल की मौत हो जाती है। एना की मौत के बाद हम्बर्ट पूरी तरह से टूट जाता है। एना के बाद उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है और वो बस उसकी यादों के सहारे जी रहा होता है। इसके काफ़ी समय बाद बीतने के बाद हमें हम्बर्ट को 40 साल की उम्र में दिखाया जाता है। हम्बर्ट एक स्कूल का प्रोफेसर बन जाता है और उसे एक नॉवल लिखने के लिए उसे समर की छुट्टियों में भेज दिया जाता है अपने अंकल के घर पर। लेकिन किसी रीजन की वजह से उसके अंकल के घर में भी आग लग जाती है इसलिए हम्बर्ट के अंकल अपने फ्रेंड के घर भेज देते हैं जिसका नाम मिस हैस था। हैस को हम्बर्ट पहली नज़र में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वह उसे उसका कमरा दिखाने लग जाती है लेकिन हम्बर्ट को वो कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि वह बहुत छोटा और गंदा भी था। मिस हैस भी बिना वजह उसके करीब आने लग जाती हैं जो हम्बर्ट को अच्छा नहीं लगता है। हम्बर्ट इसके बाद गार्डन में चला जाता है। गार्डन में हम्बर्ट की नज़र हैस की बेटी ललिता पर पड़ती है। ललिता को देखकर हम्बर्ट के मुंह में पानी आ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो बिल्कुल ऐना की तरह ही दिख रही थी। जब ललिता हम्बर्ट से नज़रें मिलाती है तो हम्बर्ट उस घर में रहने का फैसला कर लेता है। वो अपनी नॉवल लिखने लग जाता है और साथ ही में वो ललिता को ताड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता है। ललिता में उसे ऐना नज़र आने लग जाती है। यही वजह थी कि वो ललिता से प्यार करने लग जाता है। दूसरी तरफ ललिता भी हम्बर्ट से अट्रैक्ट होने लग जाती है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और उसके कमरे में आकर उसके साथ मस्ती करने लग जाती है। हम्बर्ट को यह सब बहुत अच्छा लगने लगा था तो वो मिस एस भी हम्बर्ट को पसंद करने लगी थी इसलिए वो हम्बर्ट के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अगले दिन हैज हम्बर्ट को लेकर एक लेक पर जाती है जहाँ वो बताती है कि ललिता को समर कैंप के लिए भेजना पड़ेगा। इसके बाद वो सीधा बोर्डिंग स्कूल जाएगी। ये सुनकर हम्बर्ट को टेंशन हो जाती है क्योंकि वो ललिता के लिए ही इस घर में रुका था। अगले दिन जब ललिता को पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा नखरे करने लग जाती हैं लेकिन उसकी मम उसे समझाती हैं। अगली सुबह हमें देखने के लिए मिलता है कि हम्बर्ट उठ जाता है लेकिन वो खिड़की से देखता है तो ललिता जा रही थी। ललिता भी उसे देख लेती है और वो कार से उतरकर भागकर हम्बर्ट के पास चली जाती है। हम्बर्ट को हग कर लेती है और बाद में उसे किस भी कर लेती है। इसके बाद वो चली जाती है। ललिता के चले जाने के बाद एज हम्बर्ट को एक लेटर लिखती है जिसमें उसने लिखा होता शादी करने का प्रस्ताव। हम्बर्ट भी मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका था ललिता के करीब रहकर उसके हासिल करने का। वो ऐसे शादी कर लेता है। हम्बर्ट के साथ खपा खप करना चाहती थी लेकिन हम्बर्ट उसे किसी न किसी बहाने से बच जाता था। उसे खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसे सुला देता था। उसे बस ललिता का इंतजार था कि कब वो वापस आएगी। हैज को हम्बर्ट में ललिता के बारे में कुछ पता नहीं था लेकिन एक दिन हम्बर्ट जब बाहर था तो हैज उसकी पर्सनल डायरी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि हम्बर्ट की नज़र ललिता पर है। जब हम्बर्ट घर आता है तो ललिता उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वहाँ से रिश्ते सारे तोड़कर उससे चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पर पहुँचती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके वहीं पर हैज की वहीं पर मौत हो जाती है। हैज की मौत पर उसे दुख थोड़ा होता है पर एक तरफ का उसका रास्ता भी साफ हो गया था। वो ललिता को लेने समर कैंप चला जाता है जहां वो ललिता को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब वो दोनों वापस आ रहे थे तब ललिता अपनी मॉम के बारे में पूछती है तो हैज हम्बर्ट कहता है उससे कि वो बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। यह बातों बातों में दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और किस करने लग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ ललिता की एक मुलाकात क्लियर नाम के एक लड़के से होती है। हम्बर्ट भी उसे मिलता है पर वो उसका नाम नहीं जानता था। उसे लगता था कि दिक्कत कर रहा है। अब उस होटल में आने के बाद उनका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ वो दोनों गपागप करने लग जाते हैं। अगले दिन वो दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ ललिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि वो अपने मॉम से बात करना चाहती थी। यहाँ हम्बर्ट उसे सब बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम अब नहीं रही, वो एक एक्सीडेंट में मर चुकी हैं। ये सुनकर ललिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दुख भी होता है। रात को बहुत
ज़्यादा रोने लग जाती है, तब हम्बर्ट उसे सहारा देता है। अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरे कंट्री घूमेंगे और वो ट्रिप पर निकल जाते हैं। इसके बाद वो कई दिनों तक साथ रहते हैं, फिर मजे करते हैं। ट्रिप से वापस आने के बाद में हम्बर्ट जॉब करने लग जाता है और ललिता को भी स्कूल ज्वाइन करवा देता है। एक दिन ललिता उसे डांस क्लास के लिए पूछती है, लेकिन हम्बर्ट उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि हम्बर्ट को डर था कि अगर डांस के बहाने ललिता किसी लड़के से मिली तो उनके बीच प्यार कम हो जाएगा। पर यहाँ ललिता उसे मना लेती है। इसके अगले दिन हम्बर्ट को ललिता के टीचर का कॉल आता है। टीचर हम्बर्ट से कहती है 2 दिन से ललिता क्लास के लिए नहीं आई है। तो हम्बर्ट को ललिता पर शक होता है और हम्बर्ट उसी के सामने उसके दोस्तों को कॉल करता है और पूछता है क्या ललिता तुम्हारे साथ थी, और इस पर ललिता को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से भाग जाती है। तो हम्बर्ट भी उसके पीछे जाता है, हम उसकी साइकिल देखता है तो वो अंदर जाने लग जाता है। तब ललिता फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हम्बर्ट से बहुत कुछ छुपा रही हो। इसके बाद वो दोनों एक ट्रिप पर चले जाते हैं जहाँ उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और हम्बर्ट ललिता को उस कार का नंबर नोट करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ हम्बर्ट ललिता से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, ये कह के वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वापस आता है तो वो ललिता के पैरों में कीचड़ देखता है और उसके लिपस्टिक को फैला हुआ देखता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ललिता को किसी ने पेल दिया, इसीलिए वो भी ललिता को पेल देता है ज़बरदस्ती। इसके बाद ललिता की तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए हम्बर्ट उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। वो रात का समय था इसलिए डॉक्टर हम्बर्ट को घर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन हम्बर्ट अगले सुबह हॉस्पिटल में कॉल करता है ताकि वो ललिता की तबीयत जान सके। लेकिन हॉस्पिटल की नर्स बोलती हैं कि ललिता को उसके अंकल यहाँ से डिस्चार्ज करवा कर ले चुके हैं। इसके बाद हम्बर्ट पागलों की तरह उसे ढूंढने लग जाता है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी ललिता उसे नहीं मिलती है। अब हम्बर्ट बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम्बर्ट को एक ललिता का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अभी थोड़े पैसों की ज़रूरत है। इसके बाद हम्बर्ट गन और पैसे लेकर ललिता के पास चला जाता है। ललिता उसे बताती है कि वो क्लियर था जिसके साथ वो भागी थी, क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करती थी और उसने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ हम्बर्ट ललिता को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ललिता उसे कहती है कि मुझे कभी भी तुमसे प्यार नहीं था, मैं बस तुम्हारे साथ थी और तुम मुझे पेल रहे थे। ये बात हम्बर्ट को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। वो ललिता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो क्लेयर के पास जाता है और वहाँ जाकर उसे मार देता है, अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। ये वही सीन था जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। अब हम्बर्ट को क्लेयर को मार दिया था इसलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, पर हम्बर्ट को इस बात का कोई भी डर नहीं था क्योंकि जिस लड़की को अपना मानता था वो उसे प्यार ही नहीं करती थी। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है और 1 साल के अंदर जेल में उसकी मौत हो जाती है। और इसके अगले महीने ललिता भी अपने बच्चे को जन्म देकर मर जाती है, और यहीं पर यह मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर आपको इस मूवी का थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगा तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे एक आदमी को 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वो उसकी मॉम से भी शादी कर लेता है। अब आगे इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की मूवी का नाम है ललिता, जो 1997 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जिसका नाम हम्बर्ट होता है। हम्बर्ट अपनी कार लेकर कहीं जा रहा है, लेकिन उसके फेस पर खून लगा है। हम्बर्ट को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ है। इसे बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम हम्बर्ट के बचपन को देख सकते हैं। जब हम्बर्ट 14 साल का था तो उसे एक स्कूल में एनाबेल लड़की के नाम से प्यार हो जाता है, और एनाबेल भी हम्बर्ट से प्यार करती थी। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन किसी बीमारी की वजह से एनाबेल की मौत हो जाती है। एना की मौत के बाद हम्बर्ट पूरी तरह से टूट जाता है। एना के बाद उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है और वो बस उसकी यादों के सहारे जी रहा होता है। इसके काफ़ी समय बाद बीतने के बाद हमें हम्बर्ट को 40 साल की उम्र में दिखाया जाता है। हम्बर्ट एक स्कूल का प्रोफेसर बन जाता है और उसे एक नॉवल लिखने के लिए उसे समर की छुट्टियों में भेज दिया जाता है अपने अंकल के घर पर। लेकिन किसी रीजन की वजह से उसके अंकल के घर में भी आग लग जाती है, इसलिए हम्बर्ट के अंकल से अपने फ्रेंड के घर भेज देते हैं जिसका नाम मिस हैज था। हैज को हम्बर्ट पहली नज़र में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वह उसे उसका कमरा दिखाने लग जाती है, लेकिन हम्बर्ट को वो कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि वह बहुत छोटा और गंदा भी था। मिस हैज भी बिना वजह उसके करीब आने लग जाते हैं, जो हम्बर्ट को अच्छा नहीं लगता है। हम्बर्ट
इसके बाद गार्डन में चला जाता है। गार्डन में हैम्बर्ट की नज़र हैज की बेटी ललिता पर पड़ती है। ललिता को देखकर हैम्बर्ट के मुंह में पानी आ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, वो बिल्कुल ऐना की तरह ही दिख रही थी। जब ललिता हैम्बर्ट से नज़रें मिलाती है तो हैम्बर्ट उस घर में रहने का फैसला कर लेता है। हाँ, वो अपनी नॉवल लिखने लग जाता है और साथ ही में वो ललिता को ताड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता है। ललिता में उसे ऐना नज़र आने लग जाती है, यही वजह थी कि वो ललिता से प्यार करने लग जाता है। दूसरी तरफ ललिता भी हैम्बर्ट से अट्रैक्ट होने लग जाती है, वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और उसके कमरे में आकर उसके साथ मस्ती करने लग जाती है। हैम्बर्ट को ये सब बहुत अच्छा लगने लगा था तो वो मिस एस भी हैम्बर्ट को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो हैम्बर्ट के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अगले दिन हैज हैम्बर्ट को लेकर एक लेक पे जाती है जहां वो बताती है कि ललिता को समर कैंप के लिए भेजना पड़ेगा, इसके बाद वो सीधा बोर्डिंग स्कूल जाएगी। ये सुनकर हैम्बर्ट को टेंशन हो जाती है क्योंकि वो ललिता के लिए ही इस घर में रुका था। अगले दिन जब ललिता को पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा नखरे करने लग जाती हैं, लेकिन उसकी मम उसे समझाती हैं। अगली सुबह हमें देखने के लिए मिलता है कि हैम्बर्ट उठ जाता है, लेकिन वो खिड़की से देखता है तो ललिता जा रही थी। ललिता भी उसे देख लेती है और वो कार से उतरकर भागकर हैम्बर्ट के पास चली जाती है। हैम्बर्ट को हग कर लेती है और बाद में उसे किस भी कर लेती है। इसके बाद वो चली जाती है। ललिता के चले जाने के बाद एज हैम्बर्ट को एक लेटर लिखती है जिसमें उसने लिखा होता शादी करने का प्रस्ताव। हैम्बर्ट भी मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका था ललिता के करीब रहकर उसके हासिल करने का। वो एस से शादी कर लेता है। हैम्बर्ट के साथ खपाखप करना चाहती थी लेकिन हैम्बर्ट उसे किसी न किसी बहाने से बच जाता था। उसे खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसे सुला देता था। उसे बस ललिता का इंतजार था कि कब वो वापस आएगी। हैज को हैम्बर्ट में ललिता के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन एक दिन हैम्बर्ट जब बाहर था तो हैज उसकी पर्सनल डायरी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि हैम्बर्ट की नज़र ललिता पर है। जब हैम्बर्ट घर आता है तो ललिता उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वहाँ से रिश्ते सारे तोड़कर उससे चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पर पहुंचती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके वहीं पर हैज की वहीं पर मौत हो जाती है। हैज की मौत पर उसे दुख थोड़ा होता है, पर एक तरफ का उसका रास्ता भी साफ हो गया था। वो ललिता को लेने समर कैंप चला जाता है जहां वो ललिता को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब वो दोनों वापस आ रहे थे तब ललिता अपनी मॉम के बारे में पूछती है तो हैज हैम्बर्ट कहता है उससे कि वो बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। यह बातों बातों में दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और किस करने लग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ ललिता की एक मुलाकात क्लियर नाम के एक लड़के से होती है। हैम्बर्ट भी उसे मिलता है पर वो उसका नाम नहीं जानता था, उसे लगता था कि ये बात कर रहा है। अब उस होटल में आने के बाद उनका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ वो दोनों गपागप करने लग जाते हैं। अगले दिन वो दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ ललिता हैम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि वो अपने मॉम से बात करना चाहती थी। यहाँ हैम्बर्ट उसे सब बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम अब नहीं रही, वो एक एक्सीडेंट में मर चुकी हैं। ये सुनकर ललिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दुख भी होता है। रात को बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, तब हैम्बर्ट उसे सहारा देता है। अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरी कंट्री घूमेंगे और वो ट्रिप पर निकल जाते हैं। इसके बाद वो कई दिनों तक साथ रहते हैं, फिर मजे करते हैं। ट्रिप से वापस आने के बाद में हैम्बर्ट जॉब करने लग जाता है और ललिता को भी स्कूल ज्वाइन करवा देता है। एक दिन ललिता उसे डांस क्लास के लिए पूछती है लेकिन हैम्बर्ट उसे साफ मना कर देता है क्योंकि हैम्बर्ट को डर था कि अगर डांस के बहाने ललिता किसी लड़के से मिली तो उनके बीच प्यार कम हो जाएगा, पर यहाँ ललिता उसे मना लेती है। इसके अगले दिन हैम्बर्ट को ललिता के टीचर का कॉल आता है। टीचर हैम्बर्ट से कहती है 2 दिन से ललिता क्लास के लिए नहीं आई है, तो हैम्बर्ट को ललिता पर शक होता है और हैम्बर्ट उसी के सामने उसके दोस्तों को कॉल करता है और पूछता है क्या ललिता तुम्हारे साथ थी, और इस पर ललिता को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से भाग जाती है। तो हैम्बर्ट भी उसके पीछे जाता है, वो उसकी साइकिल देखता है तो वो अंदर जाने लग जाता है। तब ललिता फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हैम्बर्ट से बहुत कुछ छुपा रही हो। इसके बाद वो दोनों एक ट्रिप पर चले जाते हैं जहाँ उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और हैम्बर्ट ललिता को उस कार का नंबर नोट करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ हैम्बर्ट ललिता से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, ये कह के वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो वो ललिता के पैरों में कीचड़ देखता है और उसके लिपस्टिक को फैला हुआ देखता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ललिता को किसी ने पेल दिया, इसीलिए वो भी ललिता को पेल देता है ज़बरदस्ती। इसके बाद ललिता की तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए हैम्बर्ट उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। वो रात का समय था इसलिए डॉक्टर हैम्बर्ट को घर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन हैम्बर्ट अगली सुबह हॉस्पिटल में कॉल करता है ताकि वो ललिता की तबीयत जान सके
लेकिन हॉस्पिटल की नर्स बोलती हैं कि ललिता को उसके अंकल यहाँ से डिस्चार्ज करवा कर ले चुके हैं। इसके बाद हम्बर्ट पागलों की तरह उसे ढूंढने लग जाता है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी ललिता उसे नहीं मिलती है। अब हम्बर्ट बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम्बर्ट को एक ललिता का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अभी थोड़े पैसों की ज़रूरत है। इसके बाद हम्बर्ट गन और पैसे लेकर ललिता के पास चला जाता है। ललिता उसे बताती है कि वो क्लियर था जिसके साथ वो भागी थी, क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करती थी और उसने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ हम्बर्ट ललिता को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ललिता उसे कहती है कि मुझे कभी भी तुमसे प्यार नहीं था, मैं बस तुम्हारे साथ थी और तुम मुझे पेल रहे थे। ये बात हम्बर्ट को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। वो ललिता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो क्लेयर के पास जाता है और वहाँ जाकर उसे मार देता है और अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। ये वही सीन था जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। अब हम्बर्ट को क्लेयर को मार दिया था, इसलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, पर हम्बर्ट को इस बात का कोई भी डर नहीं था, क्योंकि जिस लड़की को वो अपना मानता था वो उसे प्यार ही नहीं करती थी। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है और 1 साल के अंदर जेल में उसकी मौत हो जाती है। और इसके अगले महीने ललिता भी अपने बच्चे को जन्म देकर मर जाती है। और यहीं पर यह मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर आपको इस मूवी का थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगा तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे एक आदमी को 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वो उसकी मॉम से भी शादी कर लेता है। अब आगे इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की मूवी का नाम है ललिता, जो 1997 में रिलीज़ हुई थी। मूवी स्टार्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जिसके नाम हम्बर्ट होता है। हम्बर्ट अपनी कार लेकर कहीं जा रहा है, लेकिन उसके फेस पर खून लगा है। हम्बर्ट को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ है। इसे बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम हम्बर्ट के बचपन को देख सकते हैं। जब हम्बर्ट 14 साल का था तो उसे एक स्कूल में एनाबेल लड़की के नाम से प्यार हो जाता है और एनाबेल भी हम्बर्ट से प्यार करती थी। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन किसी बीमारी की वजह से एनाबेल की मौत हो जाती है। एना की मौत के बाद हम्बर्ट पूरी तरह से टूट जाता है। एना के बाद उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है और वो बस उसकी यादों के सहारे जी रहा होता है। इसके काफ़ी समय बाद बीतने के बाद हमें हम्बर्ट को 40 साल की उम्र में दिखाया जाता है। हम्बर्ट एक स्कूल का प्रोफेसर बन जाता है और उसे एक नॉवल लिखने के लिए उसे समर की छुट्टियों में भेज दिया जाता है अपने अंकल के घर पर। लेकिन किसी रीजन की वजह से उसके अंकल के घर में भी आग लग जाती है, इसलिए हम्बर्ट के अंकल अपने फ्रेंड के घर भेज देते हैं जिसका नाम मिस हैस था। हैस को हम्बर्ट पहली नज़र में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो उसे उसका कमरा दिखाने लग जाती हैं, लेकिन हम्बर्ट को वो कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि वो बहुत छोटा और गंदा भी था। मिस हैस भी बिना वजह उसके करीब आने लग जाते हैं, जो हम्बर्ट को अच्छा नहीं लगता है। हम्बर्ट इसके बाद गार्डन में चला जाता है। गार्डन में हम्बर्ट की नज़र हैस की बेटी ललिता पर पड़ती है। ललिता को देखकर हम्बर्ट के मुँह में पानी आ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो बिल्कुल ऐना की तरह ही दिख रही थी। जब ललिता हम्बर्ट से नज़रें मिलाती है तो हम्बर्ट उस घर में रहने का फैसला कर लेता है। हाँ, वो अपनी नॉवल लिखने लग जाता है और साथ ही में वो ललिता को ताड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता है। ललिता में उसे ऐना नज़र आने लग जाती है। यही वजह थी कि वो ललिता से प्यार करने लग जाता है। दूसरी तरफ ललिता भी हम्बर्ट से अट्रैक्ट होने लग जाती है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और उसके कमरे में आकर उसके साथ मस्ती करने लग जाती है। हम्बर्ट को यह सब बहुत अच्छा लगने लगा था, तो वो मिस एस भी हम्बर्ट को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो हम्बर्ट के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अगले दिन हैज हम्बर्ट को लेकर एक लेक पर जाती है, जहाँ वो बताती है कि ललिता को समर कैंप के लिए भेजना पड़ेगा। इसके बाद वो सीधा बोर्डिंग स्कूल जाएगी। ये सुनकर हम्बर्ट को टेंशन हो जाती है क्योंकि वो ललिता के लिए ही इस घर में रुका था। अगले दिन जब ललिता को पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा नखरे करने लग जाती हैं। लेकिन उसकी मम उसे समझाती हैं। अगली सुबह हमें देखने के लिए मिलता है कि हम्बर्ट उठ जाता है, लेकिन वो खिड़की से देखता है तो ललिता जा रही थी। ललिता भी उसे देख लेती है और वो कार से उतरकर भागकर हम्बर्ट के पास चली जाती है। हम्बर्ट को हग कर लेती है और बाद में उसे किस भी कर लेती है। इसके बाद वो चली जाती है। ललिता के चले जाने के बाद एज हम्बर्ट को एक लेटर लिखती है जिसमें उसने लिखा होता शादी करने का प्रस्ताव। हम्बर्ट भी मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका था ललिता के करीब रहकर उसके हासिल करने का। वो ऐसे शादी कर लेता है।
हम्बर्ट के साथ खपाखप करना चाहती थी, लेकिन हम्बर्ट उसे किसी न किसी बहाने से बच जाता था। उसे खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसे सुला देता था। उसे बस ललिता का इंतजार था कि कब वो वापस आएगी। हैज को हम्बर्ट में ललिता के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन एक दिन हम्बर्ट जब बाहर था तो हैज उसकी पर्सनल डायरी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि हम्बर्ट की नज़र ललिता पर है। जब हम्बर्ट घर आता है तो ललिता उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वहाँ से रिश्ते सारे तोड़कर उससे चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पर पहुंचती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके वहीं पर हैज की वहीं पर मौत हो जाती है। हैज की मौत पर उसे दुख थोड़ा होता है, पर एक तरफ का उसका रास्ता भी साफ हो गया था। वो ललिता को लेने समर कैंप चला जाता है, जहां वो ललिता को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब वो दोनों वापस आ रहे थे तब ललिता अपनी मोम के बारे में पूछती है, तो हैज हम्बर्ट कहता है उससे कि वो बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। यह बातों बातों में दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और किस करने लग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहाँ ललिता की एक मुलाकात नाम के एक लड़के से होती है। हम्बर्ट भी उसे मिलता है, पर वो उसका नाम नहीं जानता था। उसे लगता था कि ये बात कर रहा है। अब उस होटल में आने के बाद उनका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ वो दोनों गपागप करने लग जाते हैं। अगले दिन वो दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ ललिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि वो अपने मोम से बात करना चाहती थी। यहाँ हम्बर्ट उसे सब बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारी मोम अब नहीं रही, वो एक एक्सीडेंट में मर चुकी हैं। ये सुनकर ललिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दुख भी होता है। रात को बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, तब हम्बर्ट उसे सहारा देता है। अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरी कंट्री घूमेंगे और वो ट्रिप पर निकल जाते हैं। इसके बाद वो कई दिनों तक साथ रहते हैं, फिर मजे करते हैं। ट्रिप से वापस आने के बाद में हम्बर्ट जॉब करने लग जाता है और ललिता को भी स्कूल ज्वाइन करवा देता है। एक दिन ललिता उसे डांस क्लास के लिए पूछती है, लेकिन हम्बर्ट उसे साफ मना कर देता है क्योंकि हम्बर्ट को डर था कि अगर डांस के बहाने ललिता किसी लड़के से मिली तो उनके बीच प्यार कम हो जाएगा। पर यहाँ ललिता उसे मना लेती है। इसके अगले दिन हम्बर्ट को ललिता के टीचर का कॉल आता है। टीचर हम्बर्ट से कहती है 2 दिन से ललिता क्लास के लिए नहीं आई है, तो हम्बर्ट को ललिता पर शक होता है और हम्बर्ट उसी के सामने उसके दोस्तों को कॉल करता है और पूछता है क्या ललिता तुम्हारे साथ थी। और इस पर ललिता को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से भाग जाती है, तो हम्बर्ट भी उसके पीछे जाता है। वो उसकी साइकिल देखता है तो वो अंदर जाने लग जाता है। तब ललिता फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हम्बर्ट से बहुत कुछ छुपा रही हो। इसके बाद वो दोनों एक ट्रिप पर चले जाते हैं, जहाँ उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और हम्बर्ट ललिता को उस कार का नंबर नोट करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहाँ हम्बर्ट ललिता से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। ये कह के वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब वापस आता है तो वो ललिता के पैरों में कीचड़ देखता है और उसके लिपस्टिक को फैला हुआ देखता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ललिता को किसी ने पेल दिया, इसीलिए वो भी ललिता को पेल देता है ज़बरदस्ती। इसके बाद ललिता की तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए हम्बर्ट उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। वो रात का समय था, इसलिए डॉक्टर हम्बर्ट को घर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन हम्बर्ट अगली सुबह हॉस्पिटल में कॉल करता है ताकि वो ललिता की तबीयत जान सके। लेकिन हॉस्पिटल की नर्स बोलती हैं कि ललिता को उसके अंकल यहाँ से डिस्चार्ज करवा कर ले चुके हैं। इसके बाद हम्बर्ट पागलों की तरह उसे ढूंढने लग जाता है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी ललिता उसे नहीं मिलती है। अब हम्बर्ट बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम्बर्ट को एक ललिता का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अभी थोड़े पैसों की ज़रूरत है। इसके बाद हम्बर्ट गन और पैसे लेकर ललिता के पास चला जाता है। ललिता उसे बताती है कि वो क्लियर था जिसके साथ वो भागी थी क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करती थी और उसने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ हम्बर्ट ललिता को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ललिता उसे कहती है कि मुझे कभी भी तुमसे प्यार नहीं था, मैं बस तुम्हारे साथ थी और तुम मुझे पेल रहे थे। ये बात हम्बर्ट को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। वो ललिता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो क्लेयर के पास जाता है और वहाँ जाकर उसे मार देता है और अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। ये वही सीन था जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। अब हम्बर्ट को क्लेयर को मार दिया था, इसलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, पर हम्बर्ट को इस बात का कोई भी डर नहीं था क्योंकि जिस लड़की को वो अपना मानता था वो उसे प्यार ही नहीं करती थी। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है और 1 साल के अंदर जेल में उसकी मौत हो जाती है। और इसके अगले महीने ललिता भी अपने बच्चे को जन्म देकर मर जाती है और यहीं पर यह मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर आपको इस मूवी का थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगा तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।
दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे एक आदमी को 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वो उसकी मॉम से भी शादी कर लेता है। अब आगे इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की मूवी का नाम है लोलिता, जो 1997 में रिलीज़ हुई थी। मूवी स्टार्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जिसके नाम हम्बर्ट होता है। हम्बर्ट अपनी कार लेकर कहीं जा रहा है लेकिन उसके फेस पर खून लगा है। हम्बर्ट को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ है। इसे बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम हम्बर्ट के बचपन को देख सकते हैं। जब हम्बर्ट 14 साल का था तो उसे एक स्कूल में एनाबेल लड़की के नाम से प्यार हो जाता है और एनाबेल भी हम्बर्ट से प्यार करती थी। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे लेकिन एक दिन किसी बीमारी की वजह से एनाबेल की मौत हो जाती है। एना की मौत के बाद हम्बर्ट पूरी तरह से टूट जाता है। एना के बाद उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है और वो बस उसकी यादों के सहारे जी रहा होता है। इसके काफ़ी समय बाद बीतने के बाद हमें हम्बर्ट को 40 साल की उम्र में दिखाया जाता है। हम्बर्ट एक स्कूल का प्रोफेसर बन जाता है और उसे एक नॉवल लिखने के लिए उसे समर की छुट्टियों में भेज दिया जाता है अपने अंकल के घर पर। लेकिन किसी रीजन की वजह से उसके अंकल के घर में भी आग लग जाती है, इसलिए हम्बर्ट के अंकल से अपने फ्रेंड के घर भेज देते हैं जिसका नाम मिस हैस था। हैस को हम्बर्ट पहली नज़र में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वह उसे उसका कमरा दिखाने लग जाती हैं लेकिन हम्बर्ट को वो कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि वह बहुत छोटा और गंदा भी था। मिस हैस भी बिना वजह उसके करीब आने लग जाती हैं जो हम्बर्ट को अच्छा नहीं लगता है। हम्बर्ट इसके बाद गार्डन में चला जाता है। गार्डन में हम्बर्ट की नज़र हैस की बेटी ललिता पर पड़ती है। ललिता को देखकर हम्बर्ट के मुंह में पानी आ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो बिल्कुल ऐना की तरह ही दिख रही थी। जब ललिता हम्बर्ट से नज़रें मिलाती है तो हम्बर्ट उस घर में रहने का फैसला कर लेता है। वो अपनी नॉवल लिखने लग जाता है और साथ ही में वो ललिता को ताड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता है। ललिता में उसे ऐना नज़र आने लग जाती है। यही वजह थी कि वो ललिता से प्यार करने लग जाता है। दूसरी तरफ ललिता भी हम्बर्ट से अट्रैक्ट होने लग जाती है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और उसके कमरे में आकर उसके साथ मस्ती करने लग जाती है। हम्बर्ट को यह सब बहुत अच्छा लगने लगा था तो वो मिस एस भी हम्बर्ट को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो हम्बर्ट के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अगले दिन हैज हम्बर्ट को लेकर एक लेक पे जाती है जहां वो बताती है कि ललिता को समर कैंप के लिए भेजना पड़ेगा। इसके बाद वो सीधा बोर्डिंग स्कूल जाएगी। ये सुनकर हम्बर्ट को टेंशन हो जाती है क्योंकि वो ललिता के लिए ही इस घर में रुका था। अगले दिन जब ललिता को पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा नखरे करने लग जाती हैं लेकिन उसकी मम उसे समझाती हैं। अगली सुबह हमें देखने के लिए मिलता है कि हम्बर्ट उठ जाता है लेकिन वो खिड़की से देखता है तो ललिता जा रही थी। ललिता भी उसे देख लेती है और वो कार से उतरकर भागकर हम्बर्ट के पास चली जाती है। हम्बर्ट को हग कर लेती है और बाद में उसे किस भी कर लेती है। इसके बाद वो चली जाती है। ललिता के चले जाने के बाद एज हम्बर्ट को एक लेटर लिखती है जिसमें उसने लिखा होता शादी करने का प्रस्ताव। हम्बर्ट भी मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका था ललिता के करीब रहकर उसके हासिल करने का। वो ऐसे शादी कर लेता है। हम्बर्ट के साथ खपाखप करना चाहती थी लेकिन हम्बर्ट उसे किसी न किसी बहाने से बच जाता था। उसे खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसे सुला देता था। उसे बस ललिता का इंतजार था कि कब वो वापस आएगी। हैज को हम्बर्ट में ललिता के बारे में कुछ पता नहीं था लेकिन एक दिन हम्बर्ट जब बाहर था तो हैज उसकी पर्सनल डायरी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि हम्बर्ट की नज़र ललिता पर है। जब हम्बर्ट घर आता है तो ललिता उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वहाँ से रिश्ते सारे तोड़कर उससे चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पर पहुंचती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके वहीं पर हैज की वहीं पर मौत हो जाती है। हैज की मौत पर उसे दुख थोड़ा होता है पर एक तरफ का उसका रास्ता भी साफ हो गया था। वो ललिता को लेने समर कैंप चला जाता है जहां वो ललिता को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब वो दोनों वापस आ रहे थे तब ललिता अपनी मॉम के बारे में पूछती है तो हैज हम्बर्ट कहता है उससे कि वो बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। यह बातों में दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और किस करने लग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ ललिता की एक मुलाकात क्लियर नाम के एक लड़के से होती है। हम्बर्ट भी उसे मिलता है पर वो उसका नाम नहीं जानता था। उसे लगता था कि दिक्कत कर रहा है। अब उस होटल में आने के बाद उनका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ वो दोनों गपागप करने लग जाते हैं। अगले दिन वो दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ ललिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि वो अपने मॉम से बात करना चाहती थी। यहाँ हम्बर्ट उसे सब बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम अब नहीं रही, वो एक एक्सीडेंट में मर चुकी हैं। ये सुनकर ललिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दुख भी होता है। रात को बहुत
ज़्यादा रोने लग जाती है, तब हम्बर्ट उसे सहारा देता है। अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरी कंट्री घूमेंगे और वो ट्रिप पर निकल जाते हैं। इसके बाद वो कई दिनों तक साथ रहते हैं, फिर मजे करते हैं। ट्रिप से वापस आने के बाद में हम्बर्ट जॉब करने लग जाता है और ललिता को भी स्कूल ज्वाइन करवा देता है। एक दिन ललिता उसे डांस क्लास के लिए पूछती है, लेकिन हम्बर्ट उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि हम्बर्ट को डर था कि अगर डांस के बहाने ललिता किसी लड़के से मिली तो उनके बीच प्यार कम हो जाएगा। पर यहाँ ललिता उसे मना लेती है। इसके अगले दिन हम्बर्ट को ललिता के टीचर का कॉल आता है। टीचर हम्बर्ट से कहती है 2 दिन से ललिता क्लास के लिए नहीं आई है। तो हम्बर्ट को ललिता पर शक होता है और हम्बर्ट उसी के सामने उसके दोस्तों को कॉल करता है और पूछता है क्या ललिता तुम्हारे साथ थी, और इस पे ललिता को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से भाग जाती है। तो हम्बर्ट भी उसके पीछे जाता है, हम उसकी साइकिल देखता है तो वो अंदर जाने लग जाता है। तब ललिता फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हम्बर्ट से बहुत कुछ छुपा रही हो। इसके बाद वो दोनों एक ट्रिप पर चले जाते हैं जहाँ उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और हम्बर्ट ललिता को उस कार का नंबर नोट करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ हम्बर्ट ललिता से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, ये कह के वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वापस आता है तो वो ललिता के पैरों में कीचड़ देखता है और उसके लिपस्टिक को फैला हुआ देखता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ललिता को किसी ने पेल दिया, इसीलिए वो भी ललिता को पेल देता है ज़बरदस्ती। इसके बाद ललिता की तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए हम्बर्ट उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। वो रात का समय था इसलिए डॉक्टर हम्बर्ट को घर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन हम्बर्ट अगली सुबह हॉस्पिटल में कॉल करता है ताकि वो ललिता की तबीयत जान सके। लेकिन हॉस्पिटल की नर्स बोलती हैं कि ललिता को उसके अंकल यहाँ से डिस्चार्ज करवा कर ले चुके हैं। इसके बाद हम्बर्ट पागलों की तरह उसे ढूंढने लग जाता है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी ललिता उसे नहीं मिलती है। अब हम्बर्ट बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम्बर्ट को एक ललिता का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अभी थोड़े पैसों की ज़रूरत है। इसके बाद हम्बर्ट गन और पैसे लेकर ललिता के पास चला जाता है। ललिता उसे बताती है कि वो क्लियर था जिसके साथ वो भागी थी, क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करती थी और उसने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ हम्बर्ट ललिता को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ललिता उसे कहती है कि मुझे कभी भी तुमसे प्यार नहीं था, मैं बस तुम्हारे साथ थी और तुम मुझे पेल रहे थे। ये बात हम्बर्ट को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। वो ललिता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो क्लेयर के पास जाता है और वहाँ जाकर उसे मार देता है और अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। ये वही सीन था जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। अब हम्बर्ट को क्लेयर को मार दिया था इसलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, पर हम्बर्ट को इस बात का कोई भी डर नहीं था क्योंकि जिस लड़की को अपना मानता था वो उसे प्यार ही नहीं करती थी। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है और 1 साल के अंदर जेल में उसकी मौत हो जाती है। और इसके अगले महीने ललिता भी अपने बच्चे को जन्म देकर मर जाती है, और यहीं पर यह मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर आपको इस मूवी का थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगा तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे एक आदमी को 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वो उसकी मॉम से भी शादी कर लेता है। अब आगे इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की मूवी का नाम है ललिता, जो 1997 में रिलीज़ हुई थी। मूवी स्टार्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जिसके नाम हम्बर्ट होता है। हम्बर्ट अपनी कार लेकर कहीं जा रहा है, लेकिन उसके फेस पर खून लगा है। हम्बर्ट को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम हम्बर्ट के बचपन को देख सकते हैं। जब हम्बर्ट 14 साल का था तो उसे एक स्कूल में एनाबेल लड़की के नाम से प्यार हो जाता है, और एनाबेल भी हम्बर्ट से प्यार करती थी। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन किसी बीमारी की वजह से एनाबेल की मौत हो जाती है। एना की मौत के बाद हम्बर्ट पूरी तरह से टूट जाता है। एना के बाद उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है और वो बस उसकी यादों के सहारे जी रहा होता है। इसके काफ़ी समय बाद बीतने के बाद हमें हम्बर्ट को 40 साल की उम्र में दिखाया जाता है। हम्बर्ट एक स्कूल का प्रोफेसर बन जाता है और उसे एक नॉवल लिखने के लिए उसे समर की छुट्टियों में भेज दिया जाता है अपने अंकल के घर पर। लेकिन किसी रीजन की वजह से उसके अंकल के घर में भी आग लग जाती है, इसलिए हम्बर्ट के अंकल अपने फ्रेंड के घर भेज देते हैं जिसका नाम मिस हैस था। हैस को हम्बर्ट पहली नज़र में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वह उसे उसका कमरा दिखाने लग जाती है, लेकिन हम्बर्ट को वो कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि वह बहुत छोटा और गंदा भी था।
मिस हैज भी बिना वजह उसके करीब आने लग जाते हैं, जो हम्बर्ड को अच्छा नहीं लगता है। हम्बर्ड इसके बाद गार्डन में चला जाता है। गार्डन में हम्बर्ड की नज़र हैज की बेटी ललिता पर पड़ती है। ललिता को देखकर हम्बर्ड के मुंह में पानी आ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, वो बिल्कुल ऐना की तरह ही दिख रही थी। जब ललिता हम्बर्ड से नज़रें मिलाती है तो हम्बर्ड उस घर में रहने का फैसला कर लेता है। वो अपनी नॉवल लिखने लग जाता है और साथ ही में वो ललिता को ताड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता है। ललिता में उसे ऐना नज़र आने लग जाती है। यही वजह थी कि वो ललिता से प्यार करने लग जाता है। दूसरी तरफ ललिता भी हम्बर्ड से अट्रैक्ट होने लग जाती है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और उसके कमरे में आकर उसके साथ मस्ती करने लग जाती है। हम्बर्ड को यह सब बहुत अच्छा लगने लगा था, तो वो मिस एस भी हम्बर्ड को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो हम्बर्ड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अगले दिन हैज हम्बर्ड को लेकर एक लेक पर जाती है, जहाँ वो बताती है कि ललिता को समर कैंप के लिए भेजना पड़ेगा। इसके बाद वो सीधा बोर्डिंग स्कूल जाएगी। ये सुनकर हम्बर्ड को टेंशन हो जाती है, क्योंकि वो ललिता के लिए ही इस घर में रुका था। अगले दिन जब ललिता को पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा नखरे करने लग जाती हैं। लेकिन उसकी मम उसे समझाती हैं। अगली सुबह हमें देखने के लिए मिलता है कि हम्बर्ड उठ जाता है, लेकिन वो खिड़की से देखता है तो ललिता जा रही थी। ललिता भी उसे देख लेती है और वो कार से उतरकर भागकर हम्बर्ड के पास चली जाती है। हम्बर्ड को हग कर लेती है और बाद में उसे किस भी कर लेती है। इसके बाद वो चली जाती है। ललिता के चले जाने के बाद एज हम्बर्ड को एक लेटर लिखती है, जिसमें उसने लिखा होता शादी करने का प्रस्ताव। हम्बर्ड भी मान जाता है, क्योंकि यही एक तरीका था ललिता के करीब रहकर उसके हासिल करने का। वो ऐसे शादी कर लेता है। हम्बर्ड के साथ खपा खप करना चाहती थी, लेकिन हम्बर्ड उसे किसी न किसी बहाने से बच जाता था। उसे खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसे सुला देता था। उसे बस ललिता का इंतजार था कि कब वो वापस आएगी। हैज को हम्बर्ड में ललिता के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन एक दिन हम्बर्ड जब बाहर था तो हैज उसकी पर्सनल डायरी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि हम्बर्ड की नज़र ललिता पर है। जब हम्बर्ड घर आता है तो ललिता उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वहाँ से रिश्ते सारे तोड़कर उससे चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पर पहुंचती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके वहीं पर हैज की वहीं पर मौत हो जाती है। हैज की मौत पर उसे दुख थोड़ा होता है, पर एक तरफ का उसका रास्ता भी साफ हो गया था। वो ललिता को लेने समर कैंप चला जाता है, जहां वो ललिता को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब वो दोनों वापस आ रहे थे तब ललिता अपनी मॉम के बारे में पूछती है, तो हैज हम्बर्ड कहता है उससे कि वो बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। यह बातों में दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और किस करने लग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहाँ ललिता की एक मुलाकात क्लियर नाम के एक लड़के से होती है। हम्बर्ड भी उसे मिलता है, पर वो उसका नाम नहीं जानता था। उसे लगता था कि ये बात कर रहा है। अब उस होटल में आने के बाद उनका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ वो दोनों गपागप करने लग जाते हैं। अगले दिन वो दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ ललिता हम्बर्ड से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है, क्योंकि वो अपने मॉम से बात करना चाहती थी। यहाँ हम्बर्ड उसे सब बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम अब नहीं रही, वो एक एक्सीडेंट में मर चुकी। ये सुनकर ललिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दुख भी होता है। रात को बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, तब हम्बर्ड उसे सहारा देता है। अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरी कंट्री घूमेंगे और वो ट्रिप पर निकल जाते हैं। इसके बाद वो कई दिनों तक साथ रहते हैं, फिर मजे करते हैं। ट्रिप से वापस आने के बाद में हम्बर्ड जॉब करने लग जाता है और ललिता को भी स्कूल ज्वाइन करवा देता है। एक दिन ललिता उसे डांस क्लास के लिए पूछती है, लेकिन हम्बर्ड उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि हम्बर्ड को डर था कि अगर डांस के बहाने ललिता किसी लड़के से मिली तो उनके बीच प्यार कम हो जाएगा। पर यहाँ ललिता उसे मना लेती है। इसके अगले दिन हम्बर्ड को ललिता के टीचर का कॉल आता है। टीचर हम्बर्ड से कहती है 2 दिन से ललिता क्लास के लिए नहीं आई है, तो हम्बर्ड को ललिता पर शक होता है और हम्बर्ड उसी के सामने उसके दोस्तों को कॉल करता है और पूछता है क्या ललिता तुम्हारे साथ थी, और इस पर ललिता को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से भाग जाती है। तो हम्बर्ड भी उसके पीछे जाता है, वो उसकी साइकिल देखता है तो वो अंदर जाने लग जाता है। तब ललिता फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हम्बर्ड से बहुत कुछ छुपा रही हो। इसके बाद वो दोनों एक ट्रिप पर चले जाते हैं, जहाँ उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और हम्बर्ड ललिता को उस कार का नंबर नोट करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहाँ हम्बर्ड ललिता से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। ये कह के वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वापस आता है तो वो ललिता के पैरों में कीचड़ देखता है और उसके लिपस्टिक को फैला हुआ देखता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ललिता को किसी ने पेल दिया, इसीलिए वो भी ललिता को पेल देता है ज़बरदस्ती। इसके बाद ललिता की तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए हम्बर्ड उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। वो रात का समय था, इसलिए डॉक्टर हम्बर्ड को घर जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन हम्बर्ड अगली सुबह हॉस्पिटल में कॉल करता है ताकि वो ललिता की तबीयत जान सके,
लेकिन हॉस्पिटल की नर्स बोलती हैं कि ललिता को उसके अंकल यहाँ से डिस्चार्ज करवा कर ले चुके हैं। इसके बाद हम्बर्ट पागलों की तरह उसे ढूंढने लग जाता है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी ललिता उसे नहीं मिलती है। अब हम्बर्ट बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम्बर्ट को एक ललिता का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अभी थोड़े पैसों की ज़रूरत है। इसके बाद हम्बर्ट गन और पैसे लेकर ललिता के पास चला जाता है। ललिता उसे बताती है कि वो क्लियर था जिसके साथ वो भागी थी, क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करती थी और उसने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ हम्बर्ट ललिता को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ललिता उसे कहती है कि मुझे कभी भी तुमसे प्यार नहीं था, मैं बस तुम्हारे साथ थी और तुम मुझे पेल रहे थे। ये बात हम्बर्ट को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। वो ललिता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो क्लेयर के पास जाता है और वहाँ जाकर उसे मार देता है, अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। ये वही सीन था जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। अब हम्बर्ट को क्लेयर को मार दिया था, इसलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, पर हम्बर्ट को इस बात का कोई भी डर नहीं था, क्योंकि जिस लड़की को अपना मानता था वो उसे प्यार ही नहीं करती थी। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है और 1 साल के अंदर जेल में उसकी मौत हो जाती है। और इसके अगले महीने ललिता भी अपने बच्चे को जन्म देकर मर जाती है। और यहीं पर यह मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर आपको इस मूवी का थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगा तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे एक आदमी को 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वो उसकी मोम से भी शादी कर लेता है। अब आगे इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की मूवी का नाम है ललिता, जो 1997 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जिसके नाम हम्बर्ट होता है। हम्बर्ट अपनी कार लेकर कहीं जा रहा है, लेकिन उसके फेस पर खून लगा है। हम्बर्ट को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ है। इसे बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम हम्बर्ट के बचपन को देख सकते हैं। जब हम्बर्ट 14 साल का था तो उसे एक स्कूल में एनाबेल लड़की के नाम से प्यार हो जाता है और एनाबेल भी हम्बर्ट से प्यार करती थी। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन किसी बीमारी की वजह से एनाबेल की मौत हो जाती है। एना की मौत के बाद हम्बर्ट पूरी तरह से टूट जाता है। एना के बाद उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है और वो बस उसकी यादों के सहारे जी रहा होता है। इसके काफ़ी समय बाद बीतने के बाद हमें हम्बर्ट को 40 साल की उम्र में दिखाया जाता है। हम्बर्ट एक स्कूल का प्रोफेसर बन जाता है और उसे एक नॉवल लिखने के लिए उसे समर की छुट्टियों में भेज दिया जाता है अपने अंकल के घर पर, लेकिन किसी रीजन की वजह से उसके अंकल के घर में भी आग लग जाती है। इसलिए हम्बर्ट के अंकल अपने फ्रेंड के घर भेज देते हैं जिसका नाम मिस हैस था। हैस को हम्बर्ट पहली नज़र में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वह उसे उसका कमरा दिखाने लग जाती है, लेकिन हम्बर्ट को वो कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि वह बहुत छोटा और गंदा भी था। मिस हैस भी बिना वजह उसके करीब आने लग जाती हैं, जो हम्बर्ट को अच्छा नहीं लगता है। हम्बर्ट इसके बाद गार्डन में चला जाता है। गार्डन में हम्बर्ट की नज़र हैस की बेटी ललिता पर पड़ती है। ललिता को देखकर हम्बर्ट के मुँह में पानी आ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो बिल्कुल ऐना की तरह ही दिख रही थी। जब ललिता हम्बर्ट से नज़रें मिलाती है तो हम्बर्ट उस घर में रहने का फैसला कर लेता है। वो अपनी नॉवल लिखने लग जाता है और साथ ही में वो ललिता को ताड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता है। ललिता में उसे ऐना नज़र आने लग जाती है, यही वजह थी कि वो ललिता से प्यार करने लग जाता है। दूसरी तरफ ललिता भी हम्बर्ट से अट्रैक्ट होने लग जाती है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और उसके कमरे में आकर उसके साथ मस्ती करने लग जाती है। हम्बर्ट को यह सब बहुत अच्छा लगने लगा था, तो वो मिस एस भी हम्बर्ट को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो हम्बर्ट के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अगले दिन हैज हम्बर्ट को लेकर एक लेक पर जाती है, जहाँ वो बताती है कि ललिता को समर कैंप के लिए भेजना पड़ेगा। इसके बाद वो सीधा बोर्डिंग स्कूल जाएगी। ये सुनकर हम्बर्ट को टेंशन हो जाती है क्योंकि वो ललिता के लिए ही इस घर में रुका था। अगले दिन जब ललिता को पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा नखरे करने लग जाती हैं, लेकिन उसकी मम उसे समझाती हैं। अगली सुबह हमें देखने के लिए मिलता है कि हम्बर्ट उठ जाता है, लेकिन वो खिड़की से देखता है तो ललिता जा रही थी। ललिता भी उसे देख लेती है और वो कार से उतरकर भागकर हम्बर्ट के पास चली जाती है। हम्बर्ट को हग कर लेती है और बाद में उसे किस भी कर लेती है। इसके बाद वो चली जाती है। ललिता के चले जाने के बाद एज हम्बर्ट को एक लेटर लिखती है जिसमें उसने लिखा होता शादी करने का प्रस्ताव। हम्बर्ट भी मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका था ललिता के करीब रहकर उसके हासिल करने का। वो ऐसे शादी कर लेता है।
हम्बर्ट के साथ खपाखप करना चाहती थी, लेकिन हम्बर्ट उसे किसी न किसी बहाने से बच जाता था। उसे खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसे सुला देता था। उसे बस ललिता का इंतजार था कि कब वो वापस आएगी। हैज़ को हम्बर्ट में ललिता के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन एक दिन हम्बर्ट जब बाहर था तो हैज़ उसकी पर्सनल डायरी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि हम्बर्ट की नज़र ललिता पर है। जब हम्बर्ट घर आता है तो ललिता उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वहाँ से रिश्ते सारे तोड़कर उससे चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पर पहुँचती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके वहीं पर हैज़ की वहीं पर मौत हो जाती है। हैज़ की मौत पर उसे दुख थोड़ा होता है, पर एक तरफ का उसका रास्ता भी साफ हो गया था। वो ललिता को लेने समर कैंप चला जाता है, जहां वो ललिता को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब वो दोनों वापस आ रहे थे तब ललिता अपनी मॉम के बारे में पूछती है, तो हैज़ हम्बर्ट कहता है उससे कि वो बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। यह बातों बातों में दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और किस करने लग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहाँ ललिता की एक मुलाकात क्लियर नाम के एक लड़के से होती है। हम्बर्ट भी उसे मिलता है, पर वो उसका नाम नहीं जानता था। उसे लगता था कि दिक्कत कर रहा है। अब उस होटल में आने के बाद उनका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ वो दोनों गपागप करने लग जाते हैं। अगले दिन वो दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ ललिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि वो अपने मॉम से बात करना चाहती थी। यहाँ हम्बर्ट उसे सब बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम अब नहीं रही, वो एक एक्सीडेंट में मर चुकी हैं। ये सुनकर ललिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दुख भी होता है। रात को बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, तब हम्बर्ट उसे सहारा देता है। अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरे कंट्री घूमेंगे और वो ट्रिप पर निकल जाते हैं। इसके बाद वो कई दिनों तक साथ रहते हैं, फिर मजे करते हैं। ट्रिप से वापस आने के बाद में हम्बर्ट जॉब करने लग जाता है और ललिता को भी स्कूल ज्वाइन करवा देता है। एक दिन ललिता उसे डांस क्लास के लिए पूछती है, लेकिन हम्बर्ट उसे साफ मना कर देता है क्योंकि हम्बर्ट को डर था कि अगर डांस के बहाने ललिता किसी लड़के से मिली तो उनके बीच प्यार कम हो जाएगा। पर यहाँ ललिता उसे मना लेती है। इसके अगले दिन हम्बर्ट को ललिता के टीचर का कॉल आता है। टीचर हम्बर्ट से कहती है 2 दिन से ललिता क्लास के लिए नहीं आई है, तो हम्बर्ट को ललिता पर शक होता है और हम्बर्ट उसी के सामने उसके दोस्तों को कॉल करता है और पूछता है क्या ललिता तुम्हारे साथ थी। और इस पर ललिता को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से भाग जाती है, तो हम्बर्ट भी उसके पीछे जाता है। हम उसकी साइकिल देखता है तो वो अंदर जाने लग जाता है। तब ललिता फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हम्बर्ट से बहुत कुछ छुपा रही हो। इसके बाद वो दोनों एक ट्रिप पर चले जाते हैं, जहाँ उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और हम्बर्ट ललिता को उस कार का नंबर नोट करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहाँ हम्बर्ट ललिता से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। ये कह के वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो वो ललिता के पैरों में कीचड़ देखता है और उसके लिपस्टिक को फैला हुआ देखता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ललिता को किसी ने पेल दिया, इसीलिए वो भी ललिता को पेल देता है ज़बरदस्ती। इसके बाद ललिता की तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए हम्बर्ट उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। वो रात का समय था, इसलिए डॉक्टर हम्बर्ट को घर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन हम्बर्ट अगले सुबह हॉस्पिटल में कॉल करता है ताकि वो ललिता की तबीयत जान सके। लेकिन हॉस्पिटल की नर्स बोलती हैं कि ललिता को उसके अंकल यहाँ से डिस्चार्ज करवा कर ले चुके हैं। इसके बाद हम्बर्ट पागलों की तरह उसे ढूंढने लग जाता है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी ललिता उसे नहीं मिलती है। अब हम्बर्ट बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम्बर्ट को एक ललिता का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अभी थोड़े पैसों की ज़रूरत है। इसके बाद हम्बर्ट गन और पैसे लेकर ललिता के पास चला जाता है। ललिता उसे बताती है कि वो क्लियर था जिसके साथ वो भागी थी क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करती थी और उसने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ हम्बर्ट ललिता को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ललिता उसे कहती है कि मुझे कभी भी तुमसे प्यार नहीं था, मैं बस तुम्हारे साथ थी और तुम मुझे पेल रहे थे। यह बात हम्बर्ट को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। वो ललिता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो क्लेयर के पास जाता है और वहाँ जाकर उसे मार देता है और अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। ये वही सीन था जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। अब हम्बर्ट को क्लेयर को मार दिया था, इसलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, पर हम्बर्ट को इस बात का कोई भी डर नहीं था क्योंकि जिस लड़की को अपना मानता था वो उसे प्यार ही नहीं करती थी। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है और 1 साल के अंदर जेल में उसकी मौत हो जाती है। और इसके अगले महीने ललिता भी अपने बच्चे को जन्म देकर मर जाती है और यहीं पर यह मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको इस मूवी का थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगा तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।
तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे एक आदमी को 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वो उसकी मॉम से भी शादी कर लेता है। अब आगे इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की मूवी का नाम है लोलिता जो 1997 में रिलीज़ हुई थी। मूवी स्टार्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जिसके नाम हम्बर्ट होता है। हम्बर्ट अपनी कार लेकर कहीं जा रहा है लेकिन उसके फेस पर खून लगा है। हम्बर्ट को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ है। इसे बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम हम्बर्ट के बचपन को देख सकते हैं। जब हम्बर्ट 14 साल का था तो उसे एक स्कूल में एनाबेल लड़की के नाम से प्यार हो जाता है और एनाबेल भी हम्बर्ट से प्यार करती थी। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे लेकिन एक दिन किसी बीमारी की वजह से एनाबेल की मौत हो जाती है। एना की मौत के बाद हम्बर्ट पूरी तरह से टूट जाता है। एना के बाद उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है और वो बस उसकी यादों के सहारे जी रहा होता है। इसके काफ़ी समय बाद बीतने के बाद हमें हम्बर्ट को 40 साल की उम्र में दिखाया जाता है। हम्बर्ट एक स्कूल का प्रोफेसर बन जाता है और उसे एक नॉवल लिखने के लिए उसे समर की छुट्टियों में भेज दिया जाता है अपने अंकल के घर पर। लेकिन किसी रीजन की वजह से उसके अंकल के घर में भी आग लग जाती है इसलिए हम्बर्ट के अंकल अपने फ्रेंड के घर भेज देते हैं जिसका नाम मिस हैस था। हैस को हम्बर्ट पहली नज़र में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वह उसे उसका कमरा दिखाने लग जाती है लेकिन हम्बर्ट को वो कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि वो बहुत छोटा और गंदा भी था। मिस हैस भी बिना वजह उसके करीब आने लग जाते हैं जो हम्बर्ट को अच्छा नहीं लगता है। हम्बर्ट इसके बाद गार्डन में चला जाता है। गार्डन में हम्बर्ट की नज़र हैस की बेटी ललिता पर पड़ती है। ललिता को देखकर हम्बर्ट के मुँह में पानी आ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो बिल्कुल ऐना की तरह ही दिख रही थी। जब ललिता हम्बर्ट से नज़रें मिलाती है तो हम्बर्ट उस घर में रहने का फैसला कर लेता है। हाँ वो अपनी नॉवल लिखने लग जाता है और साथ ही में वो ललिता को ताड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता है। ललिता में उसे ऐना नज़र आने लग जाती है। यही वजह थी कि वो ललिता से प्यार करने लग जाता है। दूसरी तरफ ललिता भी हम्बर्ट से अट्रैक्ट होने लग जाती है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और उसके कमरे में आकर उसके साथ मस्ती करने लग जाती है। हम्बर्ट को यह सब बहुत अच्छा लगने लगा था तो वो मिस एस भी हम्बर्ट को पसंद करने लगी थी इसलिए वो हम्बर्ट के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अगले दिन हैज हम्बर्ट को लेकर एक लेक पर जाती है जहाँ वो बताती है कि ललिता को समर कैंप के लिए भेजना पड़ेगा। इसके बाद वो सीधा बोर्डिंग स्कूल जाएगी। ये सुनकर हम्बर्ट को टेंशन हो जाती है क्योंकि वो ललिता के लिए ही इस घर में रुका था। अगले दिन जब ललिता को पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा नखरे करने लग जाती हैं लेकिन उसकी मम उसे समझाती हैं। अगली सुबह हमें देखने के लिए मिलता है कि हम्बर्ट उठ जाता है लेकिन वो खिड़की से देखता है तो ललिता जा रही थी। ललिता भी उसे देख लेती है और वो कार से उतरकर भागकर हम्बर्ट के पास चली जाती है। हम्बर्ट को हग कर लेती है और बाद में उसे किस भी कर लेती है। इसके बाद वो चली जाती है। ललिता के चले जाने के बाद एज हम्बर्ट को एक लेटर लिखती है जिसमें उसने लिखा होता शादी करने का प्रस्ताव। हम्बर्ट भी मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका था ललिता के करीब रहकर उसके हासिल करने का। वो ऐसे शादी कर लेता है। हम्बर्ट के साथ खपागप करना चाहती थी लेकिन हम्बर्ट उसे किसी न किसी बहाने से बच जाता था। उसे खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसे सुला देता था। उसे बस ललिता का इंतजार था कि कब वो वापस आएगी। हैज को हम्बर्ट में ललिता के बारे में कुछ पता नहीं था लेकिन एक दिन हम्बर्ट जब बाहर था तो हैज उसकी पर्सनल डायरी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि हम्बर्ट की नज़र ललिता पर है। जब हम्बर्ट घर आता है तो ललिता उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वहाँ से रिश्ते सारे तोड़कर उससे चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पर पहुंचती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके वहीं पर हैज की वहीं पर मौत हो जाती है। हैज की मौत पर उसे दुख थोड़ा होता है पर एक तरफ का उसका रास्ता भी साफ हो गया था। वो ललिता को लेने समर कैंप चला जाता है जहां वो ललिता को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब वो दोनों वापस आ रहे थे तब ललिता अपनी मॉम के बारे में पूछती है तो हैज हम्बर्ट कहता है उससे कि वो बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। यह बातों बातों में दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और किस करने लग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ ललिता की एक मुलाकात नाम के एक लड़के से होती है। हम्बर्ट भी उसे मिलता है पर वो उसका नाम नहीं जानता था। उसे लगता था कि ये बात कर रहा है। अब उस होटल में आने के बाद उनका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ वो दोनों गपागप करने लग जाते हैं। अगले दिन वो दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ ललिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि वो अपने मॉम से बात करना चाहती थी। यहाँ हम्बर्ट उसे सब बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम अब नहीं रही, वो एक एक्सीडेंट में मर चुकी हैं। ये सुनकर ललिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दुख भी होता है। रात को बहुत ज़्यादा
ज़्यादा रोने लग जाती है, तब हम्बर्ट उसे सहारा देता है। अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरी कंट्री घूमेंगे और वो ट्रिप पर निकल जाते हैं। इसके बाद वो कई दिनों तक साथ रहते हैं, फिर मज़े करते हैं। ट्रिप से वापस आने के बाद में हम्बर्ट जॉब करने लग जाता है और ललिता को भी स्कूल ज्वाइन करवा देता है। एक दिन ललिता उसे डांस क्लास के लिए पूछती है, लेकिन हम्बर्ट उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि हम्बर्ट को डर था कि अगर डांस के बहाने ललिता किसी लड़के से मिली तो उनके बीच प्यार कम हो जाएगा। पर यहाँ ललिता उसे मना लेती है। इसके अगले दिन हम्बर्ट को ललिता के टीचर का कॉल आता है। टीचर हम्बर्ट से कहती है 2 दिन से ललिता क्लास के लिए नहीं आई है। तो हम्बर्ट को ललिता पर शक होता है और हम्बर्ट उसी के सामने उसके दोस्तों को कॉल करता है और पूछता है क्या ललिता तुम्हारे साथ थी। और इस पर ललिता को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से भाग जाती है। तो हम्बर्ट भी उसके पीछे जाता है, वो उसकी साइकिल देखता है तो वो अंदर जाने लग जाता है। तब ललिता फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हम्बर्ट से बहुत कुछ छुपा रही हो। इसके बाद वो दोनों एक ट्रिप पर चले जाते हैं जहाँ उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और हम्बर्ट ललिता को उस कार का नंबर नोट करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ हम्बर्ट ललिता से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वापस आता है तो वो ललिता के पैरों में कीचड़ देखता है और उसके लिपस्टिक को फैला हुआ देखता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ललिता को किसी ने पेल दिया, इसीलिए वो भी ललिता को पेल देता है ज़बरदस्ती। इसके बाद ललिता की तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए हम्बर्ट उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। वो रात का समय था इसलिए डॉक्टर हम्बर्ट को घर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन हम्बर्ट अगली सुबह हॉस्पिटल में कॉल करता है ताकि वो ललिता की तबीयत जान सके। लेकिन हॉस्पिटल की नर्स बोलती हैं कि ललिता को उसके अंकल यहाँ से डिस्चार्ज करवा कर ले चुके हैं। इसके बाद हम्बर्ट पागलों की तरह उसे ढूंढने लग जाता है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी ललिता उसे नहीं मिलती है। अब हम्बर्ट बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम्बर्ट को एक ललिता का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अभी थोड़े पैसों की ज़रूरत है। इसके बाद हम्बर्ट गन और पैसे लेकर ललिता के पास चला जाता है। ललिता उसे बताती है कि वो क्लियर था जिसके साथ वो भागी थी, क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करती थी और उसने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ हम्बर्ट ललिता को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ललिता उसे कहती है कि मुझे कभी भी तुमसे प्यार नहीं था, मैं बस तुम्हारे साथ थी और तुम मुझे पेल रहे थे। ये बात हम्बर्ट को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। वो ललिता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो क्लेयर के पास जाता है और वहाँ जाकर उसे मार देता है और अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। ये वही सीन था जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। अब हम्बर्ट को क्लेयर को मार दिया था इसलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, पर हम्बर्ट को इस बात का कोई भी डर नहीं था क्योंकि जिस लड़की को वो अपना मानता था वो उसे प्यार ही नहीं करती थी। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है और 1 साल के अंदर जेल में उसकी मौत हो जाती है। और इसके अगले महीने ललिता भी अपने बच्चे को जन्म देकर मर जाती है और यहीं पर यह मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर आपको इस मूवी का थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगा तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे एक आदमी को 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वो उसकी मॉम से भी शादी कर लेता है। अब आगे इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की मूवी का नाम है ललिता जो 1997 में रिलीज़ हुई थी। मूवी स्टार्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जिसके नाम हम्बर्ट होता है। हम्बर्ट अपनी कार लेकर कहीं जा रहा है लेकिन उसके फेस पर खून लगा है। हम्बर्ट को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ है। इसे बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम हम्बर्ट के बचपन को देख सकते हैं। जब हम्बर्ट 14 साल का था तो उसे एक स्कूल में एनाबेल लड़की के नाम से प्यार हो जाता है और एनाबेल भी हम्बर्ट से प्यार करती थी। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन किसी बीमारी की वजह से एनाबेल की मौत हो जाती है। एना की मौत के बाद हम्बर्ट पूरी तरह से टूट जाता है। एना के बाद उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है और वो बस उसकी यादों के सहारे जी रहा होता है। इसके काफ़ी समय बाद बीतने के बाद हमें हम्बर्ट को 40 साल की उम्र में दिखाया जाता है। हम्बर्ट एक स्कूल का प्रोफेसर बन जाता है और उसे एक नॉवल लिखने के लिए उसे समर की छुट्टियों में भेज दिया जाता है अपने अंकल के घर पर। लेकिन किसी रीजन की वजह से उसके अंकल के घर में भी आग लग जाती है, इसलिए हम्बर्ट के अंकल से अपने फ्रेंड के घर भेज देते हैं जिसका नाम मिस हैस था। हैस को हम्बर्ट पहली नज़र में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वह उसे उसका कमरा दिखाने लग जाती है, लेकिन हम्बर्ट को वो कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि वह बहुत छोटा और गंदा भी था।
मिस हैज भी बिना वजह उसके करीब आने लग जाते हैं, जो हम्बर्ड को अच्छा नहीं लगता है। हम्बर्ड इसके बाद गार्डन में चला जाता है। गार्डन में हम्बर्ड की नज़र हैज की बेटी ललिता पर पड़ती है। ललिता को देखकर हम्बर्ड के मुंह में पानी आ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, वो बिल्कुल ऐना की तरह ही दिख रही थी। जब ललिता हम्बर्ड से नज़रें मिलाती है तो हम्बर्ड उस घर में रहने का फैसला कर लेता है। हाँ, वो अपनी नॉवल लिखने लग जाता है और साथ ही में वो ललिता को ताड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता है। ललिता में उसे ऐना नज़र आने लग जाती है। यही वजह थी कि वो ललिता से प्यार करने लग जाता है। दूसरी तरफ ललिता भी हम्बर्ड से अट्रैक्ट होने लग जाती है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और उसके कमरे में आकर उसके साथ मस्ती करने लग जाती है। हम्बर्ड को यह सब बहुत अच्छा लगने लगा था तो वो मिस एस भी हम्बर्ड को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो हम्बर्ड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अगले दिन हैज हम्बर्ड को लेकर एक लेक पे जाती है, जहां वो बताती है कि ललिता को समर कैंप के लिए भेजना पड़ेगा। इसके बाद वो सीधा बोर्डिंग स्कूल जाएगी। ये सुनकर हम्बर्ड को टेंशन हो जाती है क्योंकि वो ललिता के लिए ही इस घर में रुका था। अगले दिन जब ललिता को पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा नखरे करने लग जाती हैं। लेकिन उसकी मम उसे समझाती हैं। अगली सुबह हमें देखने के लिए मिलता है कि हम्बर्ड उठ जाता है, लेकिन वो खिड़की से देखता है तो ललिता जा रही थी। ललिता भी उसे देख लेती है और वो कार से उतरकर भागकर हम्बर्ड के पास चली जाती है। हम्बर्ड को हग कर लेती है और बाद में उसे किस भी कर लेती है। इसके बाद वो चली जाती है। ललिता के चले जाने के बाद एज हम्बर्ड को एक लेटर लिखती है जिसमें उसने लिखा होता शादी करने का प्रस्ताव। हम्बर्ड भी मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका था ललिता के करीब रहकर उसके हासिल करने का। वो ऐसे शादी कर लेता है। हम्बर्ड के साथ खपाखप करना चाहती थी लेकिन हम्बर्ड उसे किसी न किसी बहाने से बच जाता था। उसे खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसे सुला देता था। उसे बस ललिता का इंतजार था कि कब वो वापस आएगी। हैज को हम्बर्ड में ललिता के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन एक दिन हम्बर्ड जब बाहर था तो हैज उसकी पर्सनल डायरी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि हम्बर्ड की नज़र ललिता पर है। जब हम्बर्ड घर आता है तो ललिता उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वहाँ से रिश्ते सारे तोड़कर उससे चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पर पहुंचती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके वहीं पर हैज की वहीं पर मौत हो जाती है। हैज की मौत पर उसे दुख थोड़ा होता है, पर एक तरफ का उसका रास्ता भी साफ हो गया था। वो ललिता को लेने समर कैंप चला जाता है, जहां वो ललिता को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब वो दोनों वापस आ रहे थे तब ललिता अपनी मोम के बारे में पूछती है तो हैज हम्बर्ड कहता है उससे कि वो बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। यह बातों बातों में दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और किस करने लग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहां ललिता की एक मुलाकात क्लियर नाम के एक लड़के से होती है। हम्बर्ड भी उसे मिलता है पर वो उसका नाम नहीं जानता था। उसे लगता था कि हकीकत कर रहा है। अब उस होटल में आने के बाद उनका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ वो दोनों गपागप करने लग जाते हैं। अगले दिन वो दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ ललिता हम्बर्ड से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि वो अपने मोम से बात करना चाहती थी। यहाँ हम्बर्ड उसे सब बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारी मोम अब नहीं रही, वो एक एक्सीडेंट में मर चुकी हैं। ये सुनकर ललिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दुख भी होता है। रात को बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, तब हम्बर्ड उसे सहारा देता है। अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरी कंट्री घूमेंगे और वो ट्रिप पर निकल जाते हैं। इसके बाद वो कई दिनों तक साथ रहते हैं, फिर मजे करते हैं। ट्रिप से वापस आने के बाद में हम्बर्ड जॉब करने लग जाता है और ललिता को भी स्कूल ज्वाइन करवा देता है। एक दिन ललिता उसे डांस क्लास के लिए पूछती है, लेकिन हम्बर्ड उसे साफ मना कर देता है क्योंकि हम्बर्ड को डर था कि अगर डांस के बहाने ललिता किसी लड़के से मिली तो उनके बीच प्यार कम हो जाएगा। पर यहाँ ललिता उसे मना लेती है। इसके अगले दिन हम्बर्ड को ललिता के टीचर का कॉल आता है। टीचर हम्बर्ड से कहती है 2 दिन से ललिता क्लास के लिए नहीं आई है, तो हम्बर्ड को ललिता पर शक होता है और हम्बर्ड उसी के सामने उसके दोस्तों को कॉल करता है और पूछता है क्या ललिता तुम्हारे साथ थी, और इस पर ललिता को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से भाग जाती है। तो हम्बर्ड भी उसके पीछे जाता है, वो उसकी साइकिल देखता है तो वो अंदर जाने लग जाता है। तब ललिता फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हम्बर्ड से बहुत कुछ छुपा रही हो। इसके बाद वो दोनों एक ट्रिप पर चले जाते हैं, जहां उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और हम्बर्ड ललिता को उस कार का नंबर नोट करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहां हम्बर्ड ललिता से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं तो मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। ये कह के वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब वापस आता है तो वो ललिता के पैरों में कीचड़ देखता है और उसके लिपस्टिक को फैला हुआ देखता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ललिता को किसी ने पेल दिया, इसीलिए वो भी ललिता को पेल देता है ज़बरदस्ती। इसके बाद ललिता की तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए हम्बर्ड उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। वो रात का समय था, इसलिए डॉक्टर हम्बर्ड को घर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन हम्बर्ड अगली सुबह हॉस्पिटल में कॉल करता है ताकि वो ललिता की तबीयत जान सके
लेकिन हॉस्पिटल की नर्स बोलती हैं कि ललिता को उसके अंकल यहाँ से डिस्चार्ज करवा कर ले चुके हैं। इसके बाद हम्बर्ट पागलों की तरह उसे ढूंढने लग जाता है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी ललिता उसे नहीं मिलती है। अब हम्बर्ट बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम्बर्ट को एक ललिता का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अभी थोड़े पैसों की ज़रूरत है। इसके बाद हम्बर्ट गन और पैसे लेकर ललिता के पास चला जाता है। ललिता उसे बताती है कि वो क्लियर था जिसके साथ वो भागी थी, क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करती थी और उसने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ हम्बर्ट ललिता को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ललिता उसे कहती है कि मुझे कभी भी तुमसे प्यार नहीं था, मैं बस तुम्हारे साथ थी और तुम मुझे पेल रहे थे। ये बात हम्बर्ट को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। वो ललिता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो क्लेयर के पास जाता है और वहाँ जाकर उसे मार देता है और अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। ये वही सीन था जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। अब हम्बर्ट को क्लेयर को मार दिया था, इसलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, पर हम्बर्ट को इस बात का कोई भी डर नहीं था क्योंकि जिस लड़की को अपना मानता था वो उसे प्यार ही नहीं करती थी। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है और 1 साल के अंदर जेल में उसकी मौत हो जाती है। और इसके अगले महीने ललिता भी अपने बच्चे को जन्म देकर मर जाती है और यहीं पर ये मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर आपको इस मूवी का थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगा तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे एक आदमी को 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वो उसकी मॉम से भी शादी कर लेता है। अब आगे इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की मूवी का नाम है ललिता, जो 1997 में रिलीज़ हुई थी। मूवी स्टार्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जिसके नाम हम्बर्ट होता है। हम्बर्ट अपनी कार लेकर कहीं जा रहा है, लेकिन उसके फेस पर खून लगा है। हम्बर्ट को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम हम्बर्ट के बचपन को देख सकते हैं। जब हम्बर्ट 14 साल का था तो उसे एक स्कूल में एनाबेल लड़की के नाम से प्यार हो जाता है और एनाबेल भी हम्बर्ट से प्यार करती थी। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन किसी बीमारी की वजह से एनाबेल की मौत हो जाती है। एना की मौत के बाद हम्बर्ट पूरी तरह से टूट जाता है। एना के बाद उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है और वो बस उसकी यादों के सहारे जी रहा होता है। इसके काफ़ी समय बाद बीतने के बाद हमें हम्बर्ट को 40 साल की उम्र में दिखाया जाता है। हम्बर्ट एक स्कूल का प्रोफेसर बन जाता है और उसे एक नॉवल लिखने के लिए उसे समर की छुट्टियों में भेज दिया जाता है अपने अंकल के घर पर, लेकिन किसी रीजन की वजह से उसके अंकल के घर में भी आग लग जाती है। इसलिए हम्बर्ट के अंकल अपने फ्रेंड के घर भेज देते हैं जिसका नाम मिस हैस था। हैस को हम्बर्ट पहली नज़र में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो उसे उसका कमरा दिखाने लग जाती है, लेकिन हम्बर्ट को वो कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि वो बहुत छोटा और गंदा भी था। मिस हैस भी बिना वजह उसके करीब आने लग जाते हैं, जो हम्बर्ट को अच्छा नहीं लगता है। हम्बर्ट इसके बाद गार्डन में चला जाता है। गार्डन में हम्बर्ट की नज़र हैस की बेटी ललिता पर पड़ती है। ललिता को देखकर हम्बर्ट के मुँह में पानी आ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो बिल्कुल ऐना की तरह ही दिख रही थी। जब ललिता हम्बर्ट से नज़रें मिलाती है तो हम्बर्ट उस घर में रहने का फैसला कर लेता है। वो अपनी नॉवल लिखने लग जाता है और साथ ही में वो ललिता को ताड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता है। ललिता में उसे ऐना नज़र आने लग जाती है। यही वजह थी कि वो ललिता से प्यार करने लग जाता है। दूसरी तरफ ललिता भी हम्बर्ट से अट्रैक्ट होने लग जाती है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और उसके कमरे में आकर उसके साथ मस्ती करने लग जाती है। हम्बर्ट को यह सब बहुत अच्छा लगने लगा था, तो वो मिस एस भी हम्बर्ट को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो हम्बर्ट के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अगले दिन हैज हम्बर्ट को लेकर एक लेक पर जाती है, जहाँ वो बताती है कि ललिता को समर कैंप के लिए भेजना पड़ेगा। इसके बाद वो सीधा बोर्डिंग स्कूल जाएगी। ये सुनकर हम्बर्ट को टेंशन हो जाती है क्योंकि वो ललिता के लिए ही इस घर में रुका था। अगले दिन जब ललिता को पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा नखरे करने लग जाती हैं, लेकिन उसकी मम उसे समझाती हैं। अगली सुबह हमें देखने के लिए मिलता है कि हम्बर्ट उठ जाता है, लेकिन वो खिड़की से देखता है तो ललिता जा रही थी। ललिता भी उसे देख लेती है और वो कार से उतरकर भागकर हम्बर्ट के पास चली जाती है। हम्बर्ट को हग कर लेती है और बाद में उसे किस भी कर लेती है। इसके बाद वो चली जाती है। ललिता के चले जाने के बाद एज हम्बर्ट को एक लेटर लिखती है जिसमें उसने लिखा होता शादी करने का प्रस्ताव। हम्बर्ट भी मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका था ललिता के करीब रहकर उसके हासिल करने का। वो ऐसे शादी कर लेता है।
हम्बर्ट के साथ गपागप करना चाहती थी, लेकिन हम्बर्ट उसे किसी न किसी बहाने से बच जाता था। उसे खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसे सुला देता था। उसे बस ललिता का इंतजार था कि कब वो वापस आएगी। हैज़ को हम्बर्ट में ललिता के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन एक दिन हम्बर्ट जब बाहर था तो हैज़ उसकी पर्सनल डायरी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि हम्बर्ट की नज़र ललिता पर है। जब हम्बर्ट घर आता है तो ललिता उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वहाँ से रिश्ते सारे तोड़कर उससे चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पर पहुँचती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके वहीं पर हैज़ की वहीं पर मौत हो जाती है। हैज़ की मौत पर उसे दुख थोड़ा होता है, पर एक तरफ का उसका रास्ता भी साफ हो गया था। वो ललिता को लेने समर कैंप चला जाता है, जहां वो ललिता को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब वो दोनों वापस आ रहे थे तब ललिता अपनी मोम के बारे में पूछती है, तो हैज़ हम्बर्ट कहता है उससे कि वो बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। यह बातों बातों में दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और किस करने लग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहाँ ललिता की एक मुलाकात नाम के एक लड़के से होती है। हम्बर्ट भी उसे मिलता है, पर वो उसका नाम नहीं जानता था। उसे लगता था कि ये बात कर रहा है। अब उस होटल में आने के बाद उनका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ वो दोनों गपागप करने लग जाते हैं। अगले दिन वो दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ ललिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि वो अपने मॉम से बात करना चाहती थी। यहाँ हम्बर्ट उसे सब बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम अब नहीं रही, वो एक एक्सीडेंट में मर चुकी हैं। ये सुनकर ललिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दुख भी होता है। रात को बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, तब हम्बर्ट उसे सहारा देता है। अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरी कंट्री घूमेंगे और वो ट्रिप पर निकल जाते हैं। इसके बाद वो कई दिनों तक साथ रहते हैं, फिर मजे करते हैं। ट्रिप से वापस आने के बाद में हम्बर्ट जॉब करने लग जाता है और ललिता को भी स्कूल ज्वाइन करवा देता है। एक दिन ललिता उसे डांस क्लास के लिए पूछती है, लेकिन हम्बर्ट उसे साफ मना कर देता है क्योंकि हम्बर्ट को डर था कि अगर डांस के बहाने ललिता किसी लड़के से मिली तो उनके बीच प्यार कम हो जाएगा। पर यहाँ ललिता उसे मना लेती है। इसके अगले दिन हम्बर्ट को ललिता के टीचर का कॉल आता है। टीचर हम्बर्ट से कहती है 2 दिन से ललिता क्लास के लिए नहीं आई है, तो हम्बर्ट को ललिता पर शक होता है और हम्बर्ट उसी के सामने उसके दोस्तों को कॉल करता है और पूछता है क्या ललिता तुम्हारे साथ थी, और इस पर ललिता को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से भाग जाती है। तो हम्बर्ट भी उसके पीछे जाता है, वो उसकी साइकिल देखता है तो वो अंदर जाने लग जाता है। तब ललिता फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हम्बर्ट से बहुत कुछ छुपा रही हो। इसके बाद वो दोनों एक ट्रिप पर चले जाते हैं, जहाँ उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और हम्बर्ट ललिता को उस कार का नंबर नोट करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहाँ हम्बर्ट ललिता से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। ये कह के वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब वापस आता है तो वो ललिता के पैरों में कीचड़ देखता है और उसके लिपस्टिक को फैला हुआ देखता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ललिता को किसी ने पेल दिया, इसीलिए वो भी ललिता को पेल देता है ज़बरदस्ती। इसके बाद ललिता की तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए हम्बर्ट उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। वो रात का समय था, इसलिए डॉक्टर हम्बर्ट को घर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन हम्बर्ट अगली सुबह हॉस्पिटल में कॉल करता है ताकि वो ललिता की तबीयत जान सके। लेकिन हॉस्पिटल की नर्स बोलती हैं कि ललिता को उसके अंकल यहाँ से डिस्चार्ज करवा कर ले चुके हैं। इसके बाद हम्बर्ट पागलों की तरह उसे ढूंढने लग जाता है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी ललिता उसे नहीं मिलती है। अब हम्बर्ट बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम्बर्ट को एक ललिता का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अभी थोड़े पैसों की ज़रूरत है। इसके बाद हम्बर्ट गन और पैसे लेकर ललिता के पास चला जाता है। ललिता उसे बताती है कि वो क्लियर था जिसके साथ वो भागी थी क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करती थी और उसने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ हम्बर्ट ललिता को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ललिता उसे कहती है कि मुझे कभी भी तुमसे प्यार नहीं था, मैं बस तुम्हारे साथ थी और तुम मुझे पेल रहे थे। ये बात हम्बर्ट को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। वो ललिता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो क्लेयर के पास जाता है और वहाँ जाकर उसे मार देता है और अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। ये वही सीन था जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। अब हम्बर्ट को क्लेयर को मार दिया था, इसलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, पर हम्बर्ट को इस बात का कोई भी डर नहीं था क्योंकि जिस लड़की को अपना मानता था वो उसे प्यार ही नहीं करती थी। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है और 1 साल के अंदर जेल में उसकी मौत हो जाती है। और इसके अगले महीने ललिता भी अपने बच्चे को जन्म देकर मर जाती है और यहीं पर यह मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर आपको इस मूवी का थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगा तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।
तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे एक आदमी को 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वो उसकी मॉम से भी शादी कर लेता है। अब आगे इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की मूवी का नाम है लोलिता जो 1997 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जिसके नाम हम्बर्ट होता है। हम्बर्ट अपनी कार लेकर कहीं जा रहा है लेकिन उसके फेस पर खून लगा है। हम्बर्ट को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ है। इसे बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम हम्बर्ट के बचपन को देख सकते हैं। जब हम्बर्ट 14 साल का था तो उसे एक स्कूल में एनाबेल लड़की के नाम से प्यार हो जाता है और एनाबेल भी हम्बर्ट से प्यार करती थी। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे लेकिन एक दिन किसी बीमारी की वजह से एनाबेल की मौत हो जाती है। एना की मौत के बाद हम्बर्ट पूरी तरह से टूट जाता है। एना के बाद उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है और वो बस उसकी यादों के सहारे जी रहा होता है। इसके काफ़ी समय बाद बीतने के बाद हमें हम्बर्ट को 40 साल की उम्र में दिखाया जाता है। हम्बर्ट एक स्कूल का प्रोफेसर बन जाता है और उसे एक नॉवल लिखने के लिए उसे समर की छुट्टियों में भेज दिया जाता है अपने अंकल के घर पर। लेकिन किसी रीजन की वजह से उसके अंकल के घर में भी आग लग जाती है इसलिए हम्बर्ट के अंकल से अपने फ्रेंड के घर भेज देते हैं जिसका नाम मिस हैस था। हैस को हम्बर्ट पहली नज़र में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वह उसे उसका कमरा दिखाने लग जाती है लेकिन हम्बर्ट को वो कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि वह बहुत छोटा और गंदा भी था। मिस हैस भी बिना वजह उसके करीब आने लग जाते हैं जो हम्बर्ट को अच्छा नहीं लगता है। हम्बर्ट इसके बाद गार्डन में चला जाता है। गार्डन में हम्बर्ट की नज़र हैस की बेटी ललिता पर पड़ती है। ललिता को देखकर हम्बर्ट के मुंह में पानी आ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो बिल्कुल ऐना की तरह ही दिख रही थी। जब ललिता हम्बर्ट से नज़रें मिलाती है तो हम्बर्ट उस घर में रहने का फैसला कर लेता है। हाँ वो अपनी नॉवल लिखने लग जाता है और साथ ही में वो ललिता को ताड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता है। ललिता में उसे ऐना नज़र आने लग जाती है। यही वजह थी कि वो ललिता से प्यार करने लग जाता है। दूसरी तरफ ललिता भी हम्बर्ट से अट्रैक्ट होने लग जाती है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और उसके कमरे में आकर उसके साथ मस्ती करने लग जाती है। हम्बर्ट को यह सब बहुत अच्छा लगने लगा था तो वो मिस एस भी हम्बर्ट को पसंद करने लगी थी इसलिए वो हम्बर्ट के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अगले दिन हैज हम्बर्ट को लेकर एक लेक पे जाती है जहां वो बताती है कि ललिता को समर कैंप के लिए भेजना पड़ेगा। इसके बाद वो सीधा बोर्डिंग स्कूल जाएगी। ये सुनकर हम्बर्ट को टेंशन हो जाती है क्योंकि वो ललिता के लिए ही इस घर में रुका था। अगले दिन जब ललिता को पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा नखरे करने लग जाती हैं लेकिन उसकी मम उसे समझाती हैं। अगली सुबह हमें देखने के लिए मिलता है कि हम्बर्ट उठ जाता है लेकिन वो खिड़की से देखता है तो ललिता जा रही थी। ललिता भी उसे देख लेती है और वो कार से उतरकर भागकर हम्बर्ट के पास चली जाती है। हम्बर्ट को हग कर लेती है और बाद में उसे किस भी कर लेती है। इसके बाद वो चली जाती है। ललिता के चले जाने के बाद एज हम्बर्ट को एक लेटर लिखती है जिसमें उसने लिखा होता शादी करने का प्रस्ताव। हम्बर्ट भी मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका था ललिता के करीब रहकर उसके हासिल करने का। वो ऐसे शादी कर लेता है। हम्बर्ट के साथ खपाखप करना चाहती थी लेकिन हम्बर्ट उसे किसी न किसी बहाने से बच जाता था। उसे खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसे सुला देता था। उसे बस ललिता का इंतजार था कि कब वो वापस आएगी। हैज को हम्बर्ट में ललिता के बारे में कुछ पता नहीं था लेकिन एक दिन हम्बर्ट जब बाहर था तो हैज उसकी पर्सनल डायरी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि हम्बर्ट की नज़र ललिता पर है। जब हम्बर्ट घर आता है तो ललिता उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वहाँ से रिश्ते सारे तोड़कर उससे चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पर पहुंचती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके वहीं पर हैज की वहीं पर मौत हो जाती है। हैज की मौत पर उसे दुख थोड़ा होता है पर एक तरफ का उसका रास्ता भी साफ हो गया था। वो ललिता को लेने समर कैंप चला जाता है जहां वो ललिता को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब वो दोनों वापस आ रहे थे तब ललिता अपनी मॉम के बारे में पूछती है तो हैज हम्बर्ट कहता है उससे कि वो बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। यह बातों बातों में दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और किस करने लग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ ललिता की एक मुलाकात क्लियर नाम के एक लड़के से होती है। हम्बर्ट भी उसे मिलता है पर वो उसका नाम नहीं जानता था। उसे लगता था कि दिक्कत कर रहा है। अब उस होटल में आने के बाद उनका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ वो दोनों गपागप करने लग जाते हैं। अगले दिन वो दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ ललिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि वो अपने मॉम से बात करना चाहती थी। यहाँ हम्बर्ट उसे सब बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम अब नहीं रही, वो एक एक्सीडेंट में मर चुकी हैं। ये सुनकर ललिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दुख भी होता है। रात को बहुत ज़्यादा
ज़्यादा रोने लग जाती है, तब हम्बर्ट उसे सहारा देता है। अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरी कंट्री घूमेंगे और वो ट्रिप पर निकल जाते हैं। इसके बाद वो कई दिनों तक साथ रहते हैं, फिर मजे करते हैं। ट्रिप से वापस आने के बाद में हम्बर्ट जॉब करने लग जाता है और ललिता को भी स्कूल ज्वाइन करवा देता है। एक दिन ललिता उसे डांस क्लास के लिए पूछती है, लेकिन हम्बर्ट उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि हम्बर्ट को डर था कि अगर डांस के बहाने ललिता किसी लड़के से मिली तो उनके बीच प्यार कम हो जाएगा। पर यहाँ ललिता उसे मना लेती है। इसके अगले दिन हम्बर्ट को ललिता के टीचर का कॉल आता है। टीचर हम्बर्ट से कहती है 2 दिन से ललिता क्लास के लिए नहीं आई है। तो हम्बर्ट को ललिता पर शक होता है और हम्बर्ट उसी के सामने उसके दोस्तों को कॉल करता है और पूछता है क्या ललिता तुम्हारे साथ थी। और इस पे ललिता को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से भाग जाती है। तो हम्बर्ट भी उसके पीछे जाता है, वो उसकी साइकिल देखता है तो वो अंदर जाने लग जाता है। तब ललिता फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हम्बर्ट से बहुत कुछ छुपा रही हो। इसके बाद वो दोनों एक ट्रिप पर चले जाते हैं जहाँ उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और हम्बर्ट ललिता को उस कार का नंबर नोट करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ हम्बर्ट ललिता से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, ये कह के वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो वो ललिता के पैरों में कीचड़ देखता है और उसके लिपस्टिक को फैला हुआ देखता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ललिता को किसी ने पेल दिया, इसीलिए वो भी ललिता को पेल देता है ज़बरदस्ती। इसके बाद ललिता की तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए हम्बर्ट उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। वो रात का समय था इसलिए डॉक्टर हम्बर्ट को घर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन हम्बर्ट अगली सुबह हॉस्पिटल में कॉल करता है ताकि वो ललिता की तबीयत जान सके। लेकिन हॉस्पिटल की नर्स बोलती हैं कि ललिता को उसके अंकल यहाँ से डिस्चार्ज करवा कर ले चुके हैं। इसके बाद हम्बर्ट पागलों की तरह उसे ढूंढने लग जाता है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी ललिता उसे नहीं मिलती है। अब हम्बर्ट बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम्बर्ट को एक ललिता का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अभी थोड़े पैसों की ज़रूरत है। इसके बाद हम्बर्ट गन और पैसे लेकर ललिता के पास चला जाता है। ललिता उसे बताती है कि वो क्लियर था जिसके साथ वो भागी थी, क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करती थी और उसने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ हम्बर्ट ललिता को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ललिता उसे कहती है कि मुझे कभी भी तुमसे प्यार नहीं था, मैं बस तुम्हारे साथ थी और तुम मुझे पेल रहे थे। ये बात हम्बर्ट को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। वो ललिता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो क्लेयर के पास जाता है और वहाँ जाकर उसे मार देता है और अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। ये वही सीन था जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। अब हम्बर्ट को क्लेयर को मार दिया था इसलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, पर हम्बर्ट को इस बात का कोई भी डर नहीं था क्योंकि जिस लड़की को वो अपना मानता था वो उसे प्यार ही नहीं करती थी। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है और 1 साल के अंदर जेल में उसकी मौत हो जाती है। और इसके अगले महीने ललिता भी अपने बच्चे को जन्म देकर मर जाती है और यहीं पर यह मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर आपको इस मूवी का थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगा तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे एक आदमी को 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वो उसकी मॉम से भी शादी कर लेता है। अब आगे इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की मूवी का नाम है ललिता जो 1997 में रिलीज़ हुई थी। मूवी स्टार्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जिसके नाम हम्बर्ट होता है। हम्बर्ट अपनी कार लेकर कहीं जा रहा है लेकिन उसके फेस पर खून लगा है। हम्बर्ट को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ है। इसे बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम हम्बर्ट के बचपन को देख सकते हैं। जब हम्बर्ट 14 साल का था तो उसे एक स्कूल में एनाबेल लड़की के नाम से प्यार हो जाता है और एनाबेल भी हम्बर्ट से प्यार करती थी। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन किसी बीमारी की वजह से एनाबेल की मौत हो जाती है। एना की मौत के बाद हम्बर्ट पूरी तरह से टूट जाता है। एना के बाद उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है और वो बस उसकी यादों के सहारे जी रहा होता है। इसके काफ़ी समय बाद बीतने के बाद हमें हम्बर्ट को 40 साल की उम्र में दिखाया जाता है। हम्बर्ट एक स्कूल का प्रोफेसर बन जाता है और उसे एक नॉवल लिखने के लिए उसे समर की छुट्टियों में भेज दिया जाता है अपने अंकल के घर पर। लेकिन किसी रीजन की वजह से उसके अंकल के घर में भी आग लग जाती है, इसलिए हम्बर्ट के अंकल अपने फ्रेंड के घर भेज देते हैं जिसका नाम मिस हैस था। हैस को हम्बर्ट पहली नज़र में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वह उसे उसका कमरा दिखाने लग जाती है, लेकिन हम्बर्ट को वो कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि वह बहुत छोटा और गंदा भी था।
मिस हैज भी बिना वजह उसके करीब आने लग जाते हैं, जो हम्बर्ड को अच्छा नहीं लगता है। हम्बर्ड इसके बाद गार्डन में चला जाता है। गार्डन में हम्बर्ड की नज़र हैज की बेटी ललिता पर पड़ती है। ललिता को देखकर हम्बर्ड के मुंह में पानी आ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, वो बिल्कुल ऐना की तरह ही दिख रही थी। जब ललिता हम्बर्ड से नज़रें मिलाती है तो हम्बर्ड उस घर में रहने का फैसला कर लेता है। हाँ, वो अपनी नॉवल लिखने लग जाता है और साथ ही में वो ललिता को ताड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता है। ललिता में उसे ऐना नज़र आने लग जाती है, यही वजह थी कि वो ललिता से प्यार करने लग जाता है। दूसरी तरफ ललिता भी हम्बर्ड से अट्रैक्ट होने लग जाती है, वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और उसके कमरे में आकर उसके साथ मस्ती करने लग जाती है। हम्बर्ड को यह सब बहुत अच्छा लगने लगा था तो वो मिस एस भी हम्बर्ड को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो हम्बर्ड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अगले दिन हैज हम्बर्ड को लेकर एक लेक पर जाती है, जहाँ वो बताती है कि ललिता को समर कैंप के लिए भेजना पड़ेगा, इसके बाद वो सीधा बोर्डिंग स्कूल जाएगी। ये सुनकर हम्बर्ड को टेंशन हो जाती है क्योंकि वो ललिता के लिए ही इस घर में रुका था। अगले दिन जब ललिता को पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा नखरे करने लग जाती हैं। लेकिन उसकी मम उसे समझाती हैं। अगली सुबह हमें देखने के लिए मिलता है कि हम्बर्ड उठ जाता है, लेकिन वो खिड़की से देखता है तो ललिता जा रही थी। ललिता भी उसे देख लेती है और वो कार से उतरकर भागकर हम्बर्ड के पास चली जाती है। हम्बर्ड को हग कर लेती है और बाद में उसे किस भी कर लेती है। इसके बाद वो चली जाती है। ललिता के चले जाने के बाद एज हम्बर्ड को एक लेटर लिखती है जिसमें उसने लिखा होता शादी करने का प्रस्ताव। हम्बर्ड भी मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका था ललिता के करीब रहकर उसके हासिल करने का। वो ऐसे शादी कर लेता है। हम्बर्ड के साथ खपाकप करना चाहती थी लेकिन हम्बर्ड उसे किसी न किसी बहाने से बच जाता था। उसे खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसे सुला देता था। उसे बस ललिता का इंतजार था कि कब वो वापस आएगी। हैज को हम्बर्ड में ललिता के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन एक दिन हम्बर्ड जब बाहर था तो हैज उसकी पर्सनल डायरी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि हम्बर्ड की नज़र ललिता पर है। जब हम्बर्ड घर आता है तो ललिता उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वहाँ से रिश्ते सारे तोड़कर उससे चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पर पहुंचती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके वहीं पर हैज की वहीं पर मौत हो जाती है। हैज की मौत पर उसे दुख थोड़ा होता है, पर एक तरफ का उसका रास्ता भी साफ हो गया था। वो ललिता को लेने समर कैंप चला जाता है, जहां वो ललिता को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब वो दोनों वापस आ रहे थे तब ललिता अपनी मॉम के बारे में पूछती है तो हैज हम्बर्ड कहता है उससे कि वो बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। यह बातों बातों में दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और किस करने लग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहाँ ललिता की एक मुलाकात नाम के एक लड़के से होती है। हम्बर्ड भी उसे मिलता है पर वो उसका नाम नहीं जानता था, उसे लगता था कि ये बात कर रहा है। अब उस होटल में आने के बाद उनका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ वो दोनों गपागप करने लग जाते हैं। अगले दिन वो दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ ललिता हम्बर्ड से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि वो अपने मॉम से बात करना चाहती थी। यहाँ हम्बर्ड उसे सब बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम अब नहीं रही, वो एक एक्सीडेंट में मर चुकी हैं। ये सुनकर ललिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दुख भी होता है। रात को बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, तब हम्बर्ड उसे सहारा देता है। अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरी कंट्री घूमेंगे और वो ट्रिप पर निकल जाते हैं। इसके बाद वो कई दिनों तक साथ रहते हैं, फिर मजे करते हैं। ट्रिप से वापस आने के बाद में हम्बर्ड जॉब करने लग जाता है और ललिता को भी स्कूल ज्वाइन करवा देता है। एक दिन ललिता उसे डांस क्लास के लिए पूछती है, लेकिन हम्बर्ड उसे साफ मना कर देता है क्योंकि हम्बर्ड को डर था कि अगर डांस के बहाने ललिता किसी लड़के से मिली तो उनके बीच प्यार कम हो जाएगा। पर यहाँ ललिता उसे मना लेती है। इसके अगले दिन हम्बर्ड को ललिता के टीचर का कॉल आता है। टीचर हम्बर्ड से कहती है 2 दिन से ललिता क्लास के लिए नहीं आई है, तो हम्बर्ड को ललिता पर शक होता है और हम्बर्ड उसी के सामने उसके दोस्तों को कॉल करता है और पूछता है क्या ललिता तुम्हारे साथ थी, और इस पर ललिता को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से भाग जाती है। तो हम्बर्ड भी उसके पीछे जाता है, वो उसकी साइकिल देखता है तो वो अंदर जाने लग जाता है। तब ललिता फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हम्बर्ड से बहुत कुछ छुपा रही हो। इसके बाद वो दोनों एक ट्रिप पर चले जाते हैं, जहाँ उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और हम्बर्ड ललिता को उस कार का नंबर नोट करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहां हम्बर्ड ललिता से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं तो मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। ये कह के वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो वो ललिता के पैरों में कीचड़ देखता है और उसके लिपस्टिक को फैला हुआ देखता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ललिता को किसी ने पेल दिया, इसीलिए वो भी ललिता को पेल देता है ज़बरदस्ती। इसके बाद ललिता की तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए हम्बर्ड उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। वो रात का समय था इसलिए डॉक्टर हम्बर्ड को घर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन हम्बर्ड अगली सुबह हॉस्पिटल में कॉल करता है ताकि वो ललिता की तबीयत जान सके।
लेकिन हॉस्पिटल की नर्स बोलती हैं कि ललिता को उसके अंकल यहाँ से डिस्चार्ज करवा कर ले चुके हैं। इसके बाद हम्बर्ट पागलों की तरह उसे ढूंढने लग जाता है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी ललिता उसे नहीं मिलती है। अब हम्बर्ट बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम्बर्ट को एक ललिता का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अभी थोड़े पैसों की ज़रूरत है। इसके बाद हम्बर्ट गन और पैसे लेकर ललिता के पास चला जाता है। ललिता उसे बताती है कि वो क्लियर था जिसके साथ वो भागी थी, क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करती थी और उसने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ हम्बर्ट ललिता को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ललिता उसे कहती है कि मुझे कभी भी तुमसे प्यार नहीं था, मैं बस तुम्हारे साथ थी और तुम मुझे पेल रहे थे। ये बात हम्बर्ट को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। वो ललिता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो क्लेयर के पास जाता है और वहाँ जाकर उसे मार देता है और अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। ये वही सीन था जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। अब हम्बर्ट को क्लेयर को मार दिया था इसलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, पर हम्बर्ट को इस बात का कोई भी डर नहीं था क्योंकि जिस लड़की को अपना मानता था वो उसे प्यार ही नहीं करती थी। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है और 1 साल के अंदर जेल में उसकी मौत हो जाती है। और इसके अगले महीने ललिता भी अपने बच्चे को जन्म देकर मर जाती है और यहीं पर यह मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर आपको इस मूवी का थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगा तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।